Let me first greet Chairman Honorable Justice Mrs. Anwar Rawal Chaudhary, Judge Jharkhand High Court, Mr. Manoj Prasad, Mr. Sumit Saurabh, Moderator Mr. Rajat, and so many dignitaries from AIFTP, starting with Mr. Anand Basari, National Vice President, Secretary General, Srimati Jamuna Sukhraji, Chairman of AIFTP East Zone, Sanjeev Kumarji, National Treasurer, Sri Vijay Keval Ramani Ji, National Joint Secretary, Sri Vivek Agarwal Ji, Secretary AIFTP, Smith Saurabh, President Sri Sandeep Gadoria Ji, President JCTVA, Sri Subrata Das Gupta Ji, आज के कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन श्री एच एल पटेल एंड कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी ज्योति पोद्दार जी. लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मे आई पुट ए रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. डेढ़ घंटे का सेशन हुआ, मोबाइल आप साइलेंट मोड पे कर देंगे. हिंदी मुझे यहाँ बोलना है, मुझे बोल दिया गया है कि हिंदी में ज्यादा बोलना है. जीएसटी में ने कहा पूरे कम्युनिकेशन नहीं होगा, मैं बताऊंगा क्या कहा है हमने. पर यहां तभी मजा आएगा जब दोनों हाथ से हम ताली बजाएंगे. तो आप के मन में जो आंसर आता हुआ दीजिएगा, घबराहट लाने की जरूरत नहीं है. अरे भैया, ए भाई साहब, जब रिटर्न भरने की बारी आती है तभी लॉक हो जाता है. मैम दी आर द लाइफ, यू नो, मे बी टुडे आई विल बी लिटिल क्रिटिक्स अबाउट जीएसटी, बट डोंट टेक मी नेगेटिव गाय. बट दी आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग डे इन डे आउट, एंड दैट्स द रीजन दे ऑल आर लाफिंग. यहाँ सुनवाई हो गई, सो ही सेइंग यहाँ तो सुनवाई हो गई और वहां सुनवाई. वो तो किताब भी तभी पढ़ते हैं जब उन्हें पढ़ना है. देखिए आज हम एंजॉय करेंगे. मैडम जस्टिस बैठी हैं, मैं इतना क्रिटिकल नहीं होगा, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू द प्लेटर वेयर वी आर हेडिंग फॉर. यस, जीएसटी गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री for four important reasons. We all know about it. Multiplicity of taxes gone in GST, 17 indirect taxes and 23 cess merging into one basket. पहले कितनी सेंट्रल एक्साइज अलग, VAT अलग, सर्विस टैक्स अलग, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग, ऑक्ट्रॉय अलग, सब खत्म. ईज ऑफ बिजनेस. और पहले तो कंसल्टेंट भी ऐसे होते थे वैट के, उन्होंने सेंट्रल एक्साइज के, वैट वाला सेंट्रल एक्साइज के पास नहीं आता था, और सेंट्रल एक्साइज वाला सबने अपने अपने घर के छोटे छोटे बकेट बना लिए थे. मल्टीप्लिसिटी गॉन. सेकंड, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस गॉन इन जीएसटी, टैक्स ऑन टैक्स. कितने सारे टैक्सेस थे जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, सेंट्रल एक्साइज के ऊपर वैट लग जाता था, सीएसटी लगता था, क्रेडिट नहीं मिलती थी. सो मल्टीप्लिसिटी गॉन इन जीएसटी. थर्ड, डबल टैक्सेशन विच वॉज अगेन इन अ पेनफुल एरिया टू सर्टेन एक्सटेंट गॉन इन जीएसटी. यू नो दैट रेस्टोरेंट का बिल आता था प्री जीएसटी में ₹1,000 का, उस पर हम पूरा वैट दे देते थे और उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी देते थे 40%. कॉन्स्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और वो ईआरपी सॉफ्टवेयर, सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट भी लगता था. या सप्लाई और गुड्स होगा या सप्लाई और सर्विस होगा, लेकिन दोनों लगता था. सर्विस टैक्स वाला सेंट्रल था, बोलता मुझे मतलब नहीं कि स्टेट ने वैट लगाया या नहीं लगाया, और वैट वाला बोलता था मुझे मतलब नहीं वैट दिया या नहीं दिया.
आज गवर्नमेंट के ऑफिसर भी यहाँ बैठे हुए हैं, सो मुझे एक्सेप्ट करें ये डबल टैक्सेशन टू सर्टेन एक्सटेंट गॉन इन जीएसटी। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ मालूम है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। पहले क्या होता था कि मैं अगर दिल्ली में हूं और मुझे झारखंड में सप्लाई करनी है तो सीएसटी लगता था, इसके लिए मुझे झारखंड में अपनी फैक्ट्री शॉप ऑफिस खोलनी पड़ती थी। अब मुझे नहीं खोलना, मुझे आपकी लोकल लैंग्वेज भी नहीं बोलनी, एपी कर्नाटका केरला कोई लैंग्वेज, मुझे दिल्ली बैठ के मैं पूरा पैन इंडिया बिजनेस कर सकता हूं। क्या लगेगा? आईजीएसटी एंड दैट क्रेडिट इज अवेलेबल। दैट इज द वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, एम आई राइट? ईज ऑफ बिजनेस। अब मैंने कह तो दिया आपसे ईज ऑफ बिजनेस, अगर मैं आपसे पूछूं जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स है, हाँ या ना? क्या है घनों सारो टैक्स? सर आप लोग कईयों की कई भाषाएं हैं जीएसटी में। अभी मैं कह भी रहा था कि टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? सप्लायर एंड रिसीपिएंट। तो आप सब आज मेरे रिसीपिएंट बन जाइए एंड मैं सप्लायर हूं आपका, आई एम रजिस्टर्ड इन डेली। जब जीएसटी आया था तो सबसे पहला बेसिक, मैं झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट आज आपके सामने डिस्कस करूंगा एंड उसको कंपेयर करूंगा तेलंगाना हाईकोर्ट के साथ और फिर आपको ले जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक। 5 साल हुए जीएसटी के, एक हाईकोर्ट कुछ कहता है, दूसरा हाईकोर्ट कुछ कहता है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक अलग जजमेंट है, उसी पे मैं हम डिस्कस करेंगे। पहला जब जीएसटी आया था तो इनने हमसे क्या कहा था कि सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 भरेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो आपके 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, एम आई राइट? आप अपना जीएसटीआर 2 भरेंगे बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो आपके पास ऑप्शन था, यू कैन ऐड मॉडिफाई एंड डिलीट। ऐड क्या करेंगे? मान लीजिए आपके सप्लायर ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं डाली तो आप ऐड करेंगे, मॉडिफाई क्या करेंगे अगर सप्लायर ने कोई गलती कर दी है, और डिलीट क्या करेंगे? तरुण जी भी आज है मेरे सामने, डिलीट क्या करेंगे? जो आपसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, तब आप अपना जीएसटीआर 2 भरेंगे, राइट? एब्सोल्युटली। जब आप ऐड मॉडिफाई डिलीट करेंगे तो आपका सारा डेटा जीएसटीआर 1A में सप्लायर के लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। सप्लायर को मालूम पड़ेगा कि विमल एज ए सप्लायर ने गलती कर दी है, तो या तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, एम आई राइट? 17th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब उसके बाद मैं जीएसटीआर 3 फाइल करूंगा, एम आई राइट? यही था ना सिस्टम, यही था ना? जीएसटी आया जुलाई 17, आपको याद आ रहा? 2A तो था ही नहीं, 2 का आता पता नहीं और 3 का भी आता पता नहीं, तो एक स्टॉप गैप मेजर होता नहीं, स्टॉप गैप वो कई बार आप स्टेप भी लगाते नहीं, तो 3 भी इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, 3B जीएसटीआर 3B। अब देखिए हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं और हम आज कोर्ट में क्या आर्ग्यू करते हैं। मैं सप्लायर था, मैंने अपना जीएसटीआर 1 भरा, झारखंड हाईकोर्ट का ही जजमेंट ले लेता हूं, महालक्ष्मी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गुड जजमेंट इन फेवर ऑफ ए टैक्स पेयर, बल्ले बल्ले लग रहा था। पहले सुन लीजिए क्या जजमेंट है, फिर तेलंगाना घुमा के लाऊंगा और फिर आपको दिल्ली तो आना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तो आना ही पड़ेगा। सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भरा लेकिन उसने जीएसटी नंबर मुझे आपका डालना था, नहीं डाला, मैंने पड़ोसी का डाल दिया। आपके 2A में आएगा, हाँ या ना? नहीं आएगा ना? मान लीजिए B2B सप्लाई थी, रजिस्टर सप्लायर को रजिस्टर रिसीव किए पर मैंने B2C दिखा दी, आपके 2A में आएगा? नहीं। हमारी दिल्ली टू झारखंड सप्लाई इंटरस्टेट होगी, IGST लगेगा, राइट? पर मैंने इंट्रा दिखा दिया गलती से, आपके 2A में आएगा? नो। आए
टैक्स इनवॉइस की कॉपी है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव भी किए हैं, और मैंने 3 डिफरेंट टैक्स भी पे किया है, और आप अपना रेगुलर रिटर्न भी भरते हैं, लेकिन आपके 2A में नहीं आ। तो जीएसटी में प्रोविजन है कि भाई विमल आप अपना GSTR 1 आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, एनी ओमिशन एंड एरर कैन बी रेक्टिफाइड, सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, सप्लायर कर सकता है, सप्लायर ने नहीं किया। अब ड्यू डेट कब तक किया बता दो, प्रोविजन बता दो, ड्यू डेट अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 इज बाय सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो झारखंड हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें मैंने इनवॉइस रेज की थी जनवरी 2019 में, कब रेज की थी जनवरी 2000, और उसको मैंने मार्च 2019 में दिखाया था। तो मुझे अगर मैंने गलती क्या कर दी थी, आपका GST नंबर नहीं डाला, आपके पड़ोसी का डाल दिया, तो आपके 2A में नहीं आ। और मैं कब तक अपना GSTR 1 अमेंड कर सकता था, सितंबर 2019, am I right? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए आज। आज जो भी मैं 5, 6, 7, 8 टॉपिक जो भी डिस्कस करूंगा, जब आप यहां से जाएं तो आप ये कहें या समझ में आए, आपको कुछ लिटिगेशन की प्रैक्टिस भी तो डेवलप करनी है, करनी नहीं करनी, फीस लेनी है नहीं लेनी, लेनी है नहीं लेनी, बहुत से लोग साइलेंट में चुपचाप ले लूंगा, फिर उनको लगता है मैं परसेंटेज मांगूंगा, तो कोई कॉन्फ्रेंस में नो परसेंटेज, यहां तो मैं देने के लिए आया हूं। मुझे कब तक करना था, सितंबर 2019 तक, मैंने नहीं किया, पहले आपने क्रेडिट ले ली थी लेकिन आपके टूए में नहीं दिख रहा, आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर थे, ऑनेस्ट रिसीपिएंट थे, अब नहीं दिख रहा, आपने रिवर्सल भी मार दिया कि यार टूए में नहीं आ रहा, कल डिपार्टमेंट पकड़ेगा, तो आपने रिवर्सल भी कर दिया, और आपने क्या किया, बिमल का पैसा रोक लिया, सप्लायर का पैसा रोक लिया, बोले देख टूए में नहीं आ रहा, जब तक ये टूए में नहीं आएगा मैं पैसे नहीं दूंगा, है ना प्रॉब्लम पेनल्टी, है ना प्रॉब्लम पेनल्टी। अब मैं मरता ना तो क्या करता, मरता ना तो मैं डिपार्टमेंट पहुंचा, मैंने कहा सर ये GSTR 1 में गलती हो गई है, इसको ठीक कर दो। डिपार्टमेंट क्या बोलता मालूम है, विमल वो एक है ना GSTR पोर्टल, उस पे जाके कर लो, मैं सर आप कुछ बता दो, आप कुछ बोले सर वो वैट में हो जाता, आप कुछ बता दो वो वैट में होता था, लेकिन अब जो भी करना है आपको उस पोर्टल पे करना पड़ेगा, और पोर्टल तो आप लाइटर नोट पे बोलता हूं ना तो देख सकता है ना सुन सकता है ना बोल सकता है, नहीं वो तो नहीं बोलता, चलता तो है, चलता तो है, लेकिन उसे अपनी बात मालूम है, हमारी बात उसको समझ में नहीं आती, अब वो GSTR 1 में रिवाइज नहीं कर सकता। तो आपने मुझे जून 2021 में बोला विमल टूए में नहीं आ रहा, मैं तो नहीं दूंगा तेरे, अब मैं क्या करूं, मैं गया उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, नहीं सुनी तो मैं क्या करूं, मुझे रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी, मैंने कहा कि मुझे GSTR 1 रिवाइज करने का मौका दिया जाए। कोर्ट में जो आर्गुमेंट लिए गए वो आर्गुमेंट मैं आपको बताता हूं, दो आर्गुमेंट मेजरली दो आर्गुमेंट, Petitioner is arguing that within the GST law there are relevant section 37 GSTR 1, 38 GSTR 2, 39 GSTR 3, 42, 43 आपकी ITC matching and mismatching, and 43A ने introduce भी किया था CGST Amendment Act 2018 में, पर आपको मालूम है ना GSTR 2 कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, GSTR 1 कभी नहीं आया, GSTR 3 तो इनमें है, फिर वो 3 भी आ गया, वो भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, am I right? पहला आर्गुमेंट जो मैंने कोर्ट में लिया, पेटिशनर ने लिया, he said within the GST law it was automated GST return system, अगर ये जीएसटी ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया होता, मिलोर ये जो मिस्टेक मैंने जीएसटी नंबर की थी
मैंने आपका जीएसटी नंबर नहीं डाला, अगर मेरे पास आप टू भरते मेरे वन ए में आ जाता तो मुझे मालूम पड़ जाता मुझसे गलती हो गई है, मैं टाइमली उसे करेक्ट कर लेता। चूंकि ये सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कि मैंने जीएसटी नंबर में गलती कर दी है। मैं लॉर्ड में कैसे करता, एक डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी होती है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने जीएसटी नंबर गलत डाल दिया जबकि मैंने 3D में करेक्ट टैक्स पे किया हुआ है, जस्ट जीएसटी नंबर मैंने रिसीव पेन का गलत कर दिया था और मुझे मालूम भी नहीं। और आप भी मेरे पास तब तक और आप बोलेंगे आप मैं क्यों आऊंगा, तू दे क्या मुझे रिविजन करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यही आर्गुमेंट लिया गया, यही आर्गुमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स होते थे, उसमें भी मैचिंग मिसमैचिंग 42-43 है क्या है, आईटीसी मैचिंग एंड मिसमैचिंग। अब आईटीसी मिसमैचिंग क्यों हो रही है कि जीएसटी नंबर मैंने गलत डाल दिया इसलिए मिसमैचिंग। लेकिन अगर 2 and 1A इंप्लीमेंट किया गया होता तो मुझे मालूम पड़ जाता और मैं करेक्ट कर लेता एक्सेप्ट एंड सारी चीज मैच हो जाती। यही तो जीएसटी ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम था, am I right? दूसरा आर्गुमेंट क्या लिया गया मालूम है, फाइनेंस एक्ट 2022 में कुछ सेक्शन को इन्हें विदा कर दिया, विदा मतलब ओमिटेड। अभी मुझसे कुछ प्रेस वाले बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि जीएसटी में आप क्या बोलने वाले हैं आज, जीएसटी में लोग बहुत परेशान है। बोल उससे पहले वो बोल रहा है कि जीएसटी में लोग बहुत परेशान है, तो मैंने बोला आप परेशानी वाली बात सुनना चाहते हो या अच्छी वाली बात सुनना चाहते हो। तो उसने बोला नहीं सर, जो परेशान है वो बताइए क्योंकि वो टीआरपी उसकी है, उसको तो पॉइंट ही नहीं वो चाहिए जिसमें आप भर्ती हुई हो और कल गिवन चेंज कर से तुम कैसे बोल जाए वाली बात। बट सर मैं एक चीज आपको समझाऊं, फाइनेंस एक्ट 2022 में कुछ सेक्शन इन्होंने ऑमिट कर दिए जो झारखंड हाईकोर्ट के सामने रखे गए, सेक्शन 37 को एमेंड किया, 38 तो पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया सर, 39 में 3 भी है, 42, 43 एंड 43A जो आईटीसी मैचिंग एंड मिसमैचिंग के थे सारे ऑमिटेड। कब से ऑमिट हुए, 1st अक्टूबर 2022 एंड द आर्गुमेंट व्हिच वाज टेकन बिफोर द कोर्ट विल नॉट फॉर द पीरियड व्हिच आई एम रेफरिंग टू जनवरी 2019 की वॉइस थी ना, उस पीरियड में सारा 42 एंड 43 सब चल रहा था, क्योंकि आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने ऑमिट किया है ओनली फ्रॉम 1st अक्टूबर 2022 ऑनवर्ड्स, यानी पास पीरियड के लिए सेक्शन एंड रूल सारे एप्लीकेबल थे, क्योंकि आपने ऑटोमेटेड जीएसटी रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया, हेंस आई एम सपोज्ड टू गेट रिविजन ऑप्शन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, fortunate enough honorable jharkhand high court has given judgment in our favor. kuch din bite to telangana high court ka ek judgment aa gaya, unne kaha aap GST norm ko revise nahi kar sakte, nahi kar sakte, abhi to taxpayer ko ye samajh mein nahi aata kab kar sakte ho kab nahi kar sakte. ab telangana high court kya argument le raha hai wo main sunata hu aapko. telangana high court ke samne bhi ye sare argument rakhe gaye the, but honorable telangana high court has relied on honorable supreme court judgment in the case of bharti airtel. bharti airtel judgment kya tha batata hu jisse aapko background samajh mein aa jaye. bharti airtel ka july 17 se leke september 17 ka period bata diya maine, 17 apna 3b wo bhar rahe the tab 2a nahi aaya tha, 2a aaya hi aapka beginning of 2019, 2a nahi aaya. तो उन्होंने क्या किया, 930 करोड़ रुपए 930 करोड़ रुपीस दे हैव पेड थ्रू ई कैश लेजर, उन्होंने ई क्रेडिट लेजर को यूज। मनोज भाई सर मेरे साथ पक्का, आप लोग सब मेरे साथ हैं पक्का ना, 100% मोबाइल नहीं चल जाना, अगर किसी को इमोजी भेजनी हो भेज दीजिए, किसी को भेजनी हो पक्का ना, 930 करोड़ रुपए उन्होंने ई कैश लेजर से पे किए, क्रेडिट से पे नहीं किए। दिल्ली हाईकोर्ट
में एडिट फाइल की गई। जब कुए आया तो कुए में उन्हें देखा, मेरे पास तो इनफ क्रेडिट है, बहुत सारी क्रेडिट है, मैं तो क्रेडिट से पे कर सकता था, पर मैंने किसने पे कर दिया है? कैश में। तो प्रेयर क्या रखी गई, सिंस टूए नहीं आया तो मुझे नहीं मालूम पड़ा मेरे पास क्रेडिट कितनी है, मैंने सारा कैश में पे कर दिया। क्योंकि मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल थी उस पीरियड में, जुलाई 17 टू सितंबर 17। अब मुझे 3B रिवाइज करने का मौका दिया जाए, जिससे मैं क्रेडिट से पे कर दूं और जो कैश में पे किया है वो आप मुझे ऑनरेबल हाईकोर्ट तो मान लेगा, डिपार्टमेंट माने तब तो। अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गुमेंट जब स्टार्ट हुए तो एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट ये लिया गया कि मिलॉर्ड अगर आपने इनको 3D रिवाइज करने का मौका दे दिया आफ्टर द ड्यू डेट, 3D भी आप रिवाइज कर सकते हैं। पीरियड क्या है? सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस सितंबर को आपने फाइनेंस एक्ट 2022 से 30 नवंबर कर दिया है। Am I clear to all? So, डिपार्टमेंट ने यह प्लीड ली कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद इनको 3D रिवाइज करने का मौका दे दिया, then it will affect the obligation जो सेंट्रल स्टेट के बीच होती है बिकॉज ऑफ यू नो सेटलमेंट हुए GST या 3D, वो सारी हिल जाएगी। इसलिए अब इनको रिवाइज करने का ऑप्शन, बट वो 3B का आर्गुमेंट था। किसका आर्गुमेंट था? 3B का आर्गुमेंट। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बस इसी जजमेंट को रिलाई किया और कह दिया आप GSTR1 को रिवाइज। अब मैं एक पॉइंट आप सबके सामने रखना चाहता हूं, GSTR1 से 2A का नाता है, अब 2B का नाता है, 3B से पेमेंट का नाता है, राइट? मैंने 3B में करेक्ट टैक्स पे किया हुआ है, मैं 3B की रिविजन की बात नहीं कर रहा। इसमें लीगल एंड ऑब्लिगेशन में बिटवीन द स्टेक होल्डर्स कैसे चेंज होंगे? आई एम ओनली सेइंग अलाउ मी टू रिवाइज माय GSTR1 जिसे GST नंबर करेक्ट कर लूं, और जो रिसिपिएंट था उसने क्रेडिट रिवर्स कर दी थी, और जिसके 2A में आ रहा था उसने क्रेडिट ली नहीं है। Honorable Jharkhand High Court has taken this matter as a cognizance. It is a neutral case. No loss of revenue to the government exchequer. जिस recipient के 2A में नहीं आ रहा उसने नहीं ली, जिसके 2A में आ रहा उसने नहीं ली, कभी उनको उसका हकदार नहीं था। तेलंगाना High Court ने बस ये भारतीय एयरटेल का judgment rely किया और उन्हें कह दिया GSTR1 को revise। I'm telling you, this GST practice is evolving in such a manner, and I'm finding so many arguments here and there. Kis din aapka, an honorable Supreme Court has said, aap 3B revised, nahin kar sakte. Toh point aaya tha sir, wo GST Act 2A ka kya kiya jaye? Honorable Supreme Court has said, GST Act 2A is nothing but a facilitation. Nothing but a तो थोड़ा यहां पे रुक के आपका थोड़ा डायरेक्शन चेंज करता हूं, फिर मेन लाइन पे आ जाएंगे हम। आप लोगों के पास आई एम डैम श्योर स्कूटनी नोटिसेस आ रहे हैं कि अगर आपने क्रेडिट 3B में ली और 2A में नहीं मैच कर रही, एम आई राइट? आ रहे हैं? हाँ या ना? आ रहे हैं आपका? आप लोग रिप्लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ASFP 10 आपको इशू कर दिया गया होगा, आपने ASFP 11 में भी रिप्लाई किया होगा, बट ASFP 12 इशू नहीं होता, नहीं इशू होता, मिलना पड़ेगा। आप हंस दिए ना, लेकिन इस लैंग्वेज को हर कोई समझ गया, क्यों समझ गया? इसके लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, नहीं है। आप जिस दिन जाएंगे उस दिन आपको ASFP 12 मिल जाएगा, पर जाना पड़ेगा। अब ये जाने का मतलब आप समझ गए ना? Honorable Prime Minister wanted corruption free, पर नहीं हो पा। We are accountable. जब 30 डेज का टाइम पीरियड है फॉर ASFP 12, why they are not using ASFP 12? अब रिप्लाई हम करते हैं राइट 2A वाला कि नहीं मैच कर रहा,
तो मैं आज आपको चार पांच रिप्लाई देके जा रहा हूं आपके डिफेंस के लिए। सबसे पहला आर्गुमेंट तो आप ये लीजिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज भारती एयरटेल बोलेगा सर 2A से मेरी क्रेडिट मैच मत कर दो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इट इज ओनली फैसिलिटेशन, ओनली फैसिलिटेशन। तो वो पूछेगा कंडीशन तुम सेटिस्फाई नहीं करोगे, तो आप बोलिएगा सर मैं चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं। कौन सी चार कंडीशन? अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, व्हाट आर दोस फोर कंडीशन? एज ए बायर यू शुड हैव टैक्स इनवॉइस कॉपी जो आपके पास है। थोड़ा आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ खाना पीना भी है, मुझे बता दिया गया है। हाँ तो आप चिंता ना करें, अगर आप भूख लग जाएगी तो खाना भी अच्छा मिलेगा। देखिए आज की कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल तभी होगी, ये सब चाहते हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो और मैं भी चाहता हूं, लेकिन आपके बिना ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आपको मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी है? यू हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, आपके सप्लायर ने चीनी से पेमेंट कर दिया है। सर जीएसटी नंबर तो गलत डाला था, B2B को B2C दिखा दिया था ना, इंट्रा को इंटर कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया, या वन नहीं भरा, टू में नहीं आ रहा, लेकिन सप्लायर ने थ्री भरा है, टैक्स का पेमेंट किया है, टू में नहीं आ रहा, दैट कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ माय अवेलेबल क्रेडिट। चौथी कंडीशन, रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं। किसके लिए प्रोविजन है? सप्लायर के लिए या रिसीपिएंट के लिए? अच्छा पहले मैं राष्ट्रपति वोट कर लूं, अलाउड वोट कर लूं। चौथी कंडीशन बोलती है रेगुलरली फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अच्छा ये वोटिंग इसलिए नहीं है कि मैं यहां पे कोई, ये वोटिंग इसलिए कि 5 साल में हम भी कितना जीएसटी समझे हैं। ये प्रोविजन किसके लिए? सप्लायर रेगुलरली फाइल करता हो या रिसीपिएंट फाइल करता हो या बोथ करता हो? सप्लायर फाइल करता हो, हाथ उठाइए एक बार। चौथी कंडीशन रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भरता हो, ये प्रोविजन किसके लिए है? सप्लायर के लिए, रिसीपिएंट के लिए या बोथ के लिए? मैं आपको बता दूं प्रोविजन रिसीपिएंट की बात करता है, यानी 5 साल जीएसटी हमें भी जीएसटी पढ़ना है। बोथ आपको क्या लगता है? जो इजी लगे उसी पे मार दो टिक, जो इजी लगे उसी पे टिक मार दो, राइट? नहीं चलेगा सर, हमें भी करेक्ट जीएसटी पढ़ना है। और पांचवी कंडीशन उन्होंने जोड़ी 1 जनवरी 2022 से कि जो क्रेडिट आपने लिया है वो 2B से मैच होना चाहिए। Am I right? तो 2A तो कहीं है ही नहीं है, तो ये जो स्क्रूटनी नोटिस 40,000 से ज्यादा, वो प्रेस रिपोर्टर पूछ रहे थे मेरे से 17-18 के लिए मोर देन 40,000 स्क्रूटनी नोटिस आर बीइंग इशू, 18-19 मोर देन 40,000 स्क्रूटनी नोटिस। मेरी एक बार मीटिंग हो रही थी नॉर्थ ब्लॉक में, चेयरपर्सन के साथ ही हो रही थी, मैंने कहा सर ये आप स्क्रूटनी नोटिस इन जनरल आप भेज रहे हैं कि 2A से मैच नहीं कर रहा, आप नोटिस भेज दे रहे हैं, सर ये सही नहीं है, इट्स नॉट गुड। तो उन्हें पूछा 2A से मैच क्यों नहीं होगा? मैंने कहा सर 2A लीगली बाइंडिंग नहीं है, मुझे रिकंसाइल करना, मैं आपको डेटा दे रहा हूं सारा का सारा, 2A का कोई प्रोविजन नहीं, आपने 2B कब से डाला? 1 जनवरी 2022 से, हमारे आप 1 जनवरी 2022 से मुझसे बोलिए कि मेरी क्रेडिट 2B से मैच करे, बट प्रायर टू दैट 2A आप आर्गुमेंट, तो मैंने आपको दूसरा आर्गुमेंट दे दिया भारतीय एयरटेल, दूसरा आर्गुमेंट दे दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बिल्डअप कर दूं चीजों को। अब 2B आ गया ना 1 जनवरी 2022 से, अब क्या 1 जनवरी 2022 से मान लीजिए फिर मैंने गलती कर दी, जीएसटी नंबर आप पर नहीं डाला, आपके 2B में दिखेगा? इतना स्लो B2B को B2C दिखा दिया, 2B में दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। इंट्रा को इंटर कर दिया और वाइस वर्सा होगा, वन नहीं भरा, आपके 2B में आएगा? तो 1 जनवरी 2022 से आपके 2B में नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास इनवॉइस है, रिसीव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया हुआ है, आप रेगुलरली अपना रिटर्न भी भरते हैं, क्रेडिट मिल जाएगी आपको?
हाँ या ना? ना, नहीं कोई हाँ वाला हाँ मिले जो दो तीन दिल खोल के उठाइए आप ही तो हैं ब्रेव हार्ट जो नहीं उठा रहे ना जैसे बैठे हैं ना आप मान लीजिए उनको भी नहीं मालूम वो तो आराम से देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या आंसर है सर कई बार ना हम जब सेमिनार वेबिनार में जाते हैं तो इतना तो समझ में आ जाता है कि कहाँ तक है लेकिन ये हमारी जानकारी होना जरूरी नहीं है तो वो प्रेस वाले बोल रहे थे कि सर मैंने कहा सर आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं तो जब मैं यहाँ से जाऊं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं मालूम सर अब आपको ग्रेड नहीं मिलेगी अगर आपके टू बी में नहीं आ रहा ना तो नहीं मिलेगी आपको फर्स्ट जनवरी 2022 तो अब आपको सप्लायर को पकड़ना है भैया नो योर सप्लायर एक कॉन्सेप्ट होता है बैंकिंग सेक्टर में नो योर कस्टमर KYC अब GST में है नो योर सप्लायर जो आपका सप्लायर टैक्स कंप्लायंट नहीं है और उसकी वजह से अगर आपकी क्रेडिट टू बी में नहीं आ रही तो फर्स्ट जनवरी 2022 से तैयार हो जाइए सर बट एक डिस्क्लेमर दे देता हूं दो सिचुएशन आपके सामने रखता हूं कि टू बी में नहीं आ रहा तो भी क्रेडिट मिलेगी और टू बी में आ रहा है तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगी अच्छा आप लोग जीएसटी रिटर्न भरने का काम कितने लोग करते हैं यहाँ पे झारखंड में सभी करते हैं और फीस कितनी मिलती है सर सबने हंस के क्या बताया मालूम है सर क्या मजा आप दिल्ली में लेते होंगे यहाँ तो सर वो रेगुलर रिटेनरशिप में चलता है सर गवर्नमेंट में ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ स्मूथ कर दिया सर इजी हो गया वो क्लाइंट भी ये सोचता है बिल्कुल जी करते गए हैं आप सारा डेटा तो मैं देता हूं आपको आप रिटर्न ही तो भर रहे हैं उसकी इतनी फीस और पूरा पैन इंडिया परेशान है कि अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग में तीन सर्विस प्रोवाइडर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर तीसरा मालिक का अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो 5,000 रुपये लेता है तो सेकेंड फ्लोर वाले को उस मालूम पड़ना चाहिए वो 2,000 पे आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर वाले को मालूम पड़ना चाहिए वो 1,000 पे आ जाएगा और जो नया नया आज ही पास हुआ है वो तो बोलता है इस साल फ्री लो अगले साल से देना नहीं है ये क्वालिटी है क्या सर मैं एक चीज बताता हूं आज कई अच्छे लॉयर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं लर्नेड लॉयर्स बैठे हुए एक मैं आपको मत देके जाता हूं पैसे के पीछे मत भागिए अपनी फीस को कम मत कीजिए फीस को वही रखिए जो आप चाहते हैं बट उसके साथ कंटेंट एंड क्वालिटी दोनों दीजिए अगर आप कंटेंट एंड क्वालिटी देंगे ना वो कहीं नहीं जाएगा वो आपके पास आएगा देखिए जो बड़े बड़े लॉयर हैं उनकी फीस तो आप जानते ही हैं ये छोटा वाला जो लॉयर है आपके सामने आज पहले मैं ना विजिटिंग की फीस मांगता था मेरे ऑफिस में अगर आप आएंगे तो विजिटिंग चार्जेस है फ्री में कोई डिस्कशन नहीं होगा तो क्लाइंट बोलता था मेरे से सर इसको डिस्कस करने के पैसे लेंगे मैंने कहा डिस्कस कैसे ये करने आओगे तुम पूछो तो भी तो ना इसकी दवाई क्या है तो दवाई के चार्जेस है दूसरा क्वेश्चन ये आता था कि सर इतनी फीस तो मैं उसको आंसर ये देता था तुमको हल्दीराम का समोसा खाना है या अग्रवाल का अगर हल्दीराम का समोसा खाना है तो हल्दीराम के पैसे लेकिन वो कंटेंट और क्वालिटी को नीचे ऊपर वाला 5 नीचे वाला 2 3 फर्स्ट वाला 1 और जो नया नया आया मुझे कुछ नहीं कर रहा सर बंद कीजिए हम एक्सीलेंसी की बात कर रहे थे ना एक्सीलेंस हमसे स्टार्ट होती है हम दूसरों को देखते रहते हैं हम चाहते हैं सिस्टम बदले लेकिन हम बदलना नहीं चाहते हमको खुद को बदलना पड़ेगा सर मैंने बोल दिया मैं तो फीस लूंगा तभी डिस्कस करूंगा तो कई क्लाइंट कट जाते थे नहीं आते थे बगल वाले के पास चले जाते मैं जाओ मैं वैल्यू क्वालिटी पर फोकस करूंगा ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं समझना पड़ेगा तो मैंने कहां से स्टार्ट किया टू बी में आ रहा है फिर भी नहीं मिलेगा
और टू बी में नहीं आ रहा फिर भी मिलेगा, ये रिटर्न भरते वक्त हो जाएगा। जब तक आप उसका डेटा एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक यू डू नॉट नो कि इसको कितनी क्रेडिट मिलने वाली है। उसी की प्राइसेस है, वो हजार रुपए में संभव नहीं हो सकती। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिया तो बता दी, मैंने मान लीजिए 30 अक्टूबर को दिल्ली से सप्लाई किया झारखंड के लिए, अपना इनवॉइस 30 अक्टूबर को फाड़ा, जीएसटी आर 1 में दिखा दिया अक्टूबर के लिए, आपके 2B में भी आ गया, बट आपने 5 नवंबर को अगर रिसीव किया, आपके 2B में अक्टूबर में आ रहा है, अक्टूबर में क्रेडिट ले लेंगे आप, हाँ या ना? मैं एक बार वोटिंग कर लो, कितने लोग बोलते हैं क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो मैंने अपने आंसर से कुछ बता दिया है, मैंने अपने आंसर से बता दिया, इसलिए आप फर्म हो गए कि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने गुड्स रिसीव आपको पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है सर, बस हो जाएगा। आपके तो 2B में दिख रहा है, आप मुदो ले लो। क्या ले लिया वो? अब आपके ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन था या एफओआर डेस्टिनेशन था। Am I clear? नहीं मिलेगी। अब 2B में नहीं आ रहा फिर भी क्रेडिट मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ये सेम एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट मंथ। उसके अलावा रिवर्स चार्ज 2B में नहीं आता, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आईजीएसटी पे करते हैं ना, आइस गेट से 2B में जीएसटी पोर्टल पे डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ, बट आपको क्रेडिट मिलेगी। बट ये वाली बात हाँ बोलने के लिए इनका एक सर्कुलर नहीं आता, बट हमें क्रेडिट तो रिटर्न भरना क्या सर मैथमेटिकल प्लस माइनस है? नहीं सर, हमें बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि देख तेरे लिए क्या एडवांटेज है तो क्या डिसएडवांटेज है। तो यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि जब समझा दिया तो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ो। 17.5 भी है। मन सबको मालूम है कि 17.5 भी है, तो 17.5 भी है, कुछ जुगाड़ कर लिया है। अब आपको कुछ चीज बताता हूं, 2B में आ गया, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आपको आईटीसी मिले, हमको आईटीसी मिले। क्या सही है उनके में? हाँ या ना? अब इनमें ना एक सेक्शन है, एक और कंडीशन 6 कंडीशन जारी जो 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल है। उन्हें कहा विमल अगर तेरे 2B में भी आ रहा है ना तो सबसे पहले देख लेना ये रिस्ट्रिक्टेड ना हो अंडर सेक्शन 38। यानी पहले तो 6 कंडीशन देखिए, फिर एक और बकेट में जाइए, बोला 6 रेस्ट्रिक्टेड ना हो, यानी 2B में वो दो बाइफरकेशन कर दिया, एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीजन। अब रीजन सुन लीजिए आप, रीजन नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 38 में जो डाला उन्होंने, अगर आपके सप्लायर ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, अगर उस सप्लायर से आपने माल लिया आपके 2B में आ रहा होगा लेकिन आपको क्रेडिट, उन्हें क्यों किया ये वाला प्रोविजन? कुछ सप्लायर रिस्क प्रोन होते हैं जो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और क्रेडिट पास ऑन करते हैं, तो उन्हें प्रोविजन डाल दिया ऐसे सप्लायर के केस में जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। आपका सप्लायर, दूसरी कंडीशन, आपका सप्लायर डिफॉल्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है, डिफॉल्ट करता है पेमेंट ऑफ टैक्स में, एंड दैट डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। आपका सप्लायर आपकी बात नहीं कर रहा, वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तीसरी कंडीशन, अगर सप्लायर के 1 और 3B में अगर डिफरेंस है, 1 और दैट इज एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट, आपका सप्लायर, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए मैं जब अपना GSTR 1 भरता हूं, 11th इज द ड्यू डेट, मान लीजिए मेरी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, कितने रुपए की लाइबिलिटी है? 1 लाख। Am I right? अब रिटर्न आपको मालूम नहीं है, दिन में तो जाते थे, जब हम नाइट में भर रहे होते हैं तो मान लीजिए 1 लाख की लाइबिलिटी डाली, 1 0 एक्स्ट्रा हो,
सबमिट और फाइल में एक जीरो, क्योंकि कई बार जब टिक करते रहते वो चल नहीं रहा एक जीरो डाला वो फाइल, तो एक लाख की लाइटिंग कितनी हो गई, 10 लाख। अब तब आप माता पर कर ले तब करें क्या, रिवीजन का ऑप्शन है, रिवाइज करने नहीं देते लोग, ये लोग समझ गए। अब आपको 3D में टैक्स का पेमेंट करना है, तो 3D में आप 1 लाख जमा करेंगे या 10 लाख? जब तक एक्ट में प्रोविजन नहीं है रूल कांट बी मेड।
सारी चीज रूल भी देते हैं। रूल 86 भी ये है कि अगर आपके पास ई क्रेडिट लेजर है तो वो बोलता है यू कांट यूज इन एक्सेस ऑफ 99%, यानी आपको 1% कंपल्सरी कैश में देना पड़ेगा। सर पता नहीं कलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया है, बट दैट इज नॉट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। ये फिफ्थ रिस्ट्रिक्शन है। छठी रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने कहा बेबल अभी तक तो विचार आया नहीं, समझ में आया नहीं, तो ये और चीज आगे जब भी समझ में आएगा एस स्पेसिफाइड। तो मुझे कई बार लगता है यदि क्रेडिट देना चाहते नहीं है या नहीं चाहते इतने है। और जब आप कोर्ट में प्लीड करेंगे तो कोर्ट ओनली लुक एट द लॉ प्रोविजन, दे कांट डू समटाइम्स दे आर हेल्पलेस। वो ये बोलते हैं कि जीएसटी काउंसिल को कंसीडर कर लेना चाहिए। अब जीएसटी काउंसिल आपको तो मालूम है, एक आइटम जीएसटी काउंसिल का बताओ, सेंटर स्टेट दोनों बैठे होते हैं, वहां सारा डिस्कशन हो रहा होता है। अभी 18 जुलाई 2022 से आपने वो पैकेज कमोडिटीज, लेवल पैकेज कमोडिटीज 5% जो लगा, रूलिंग पार्टी वर्सेस नॉन रूलिंग पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, नॉन रूलिंग पार्टी सीधे आके मार्केट में ये फैलाती है कि इन्हें 5% लगा दिया, इन्हें 5% लगा दिया। अरे काउंसिल से बोलो ना जीएसटी काउंसिल से नहीं लगवाना, वहां तो आप ही एग्री कर रहे थे इस बात को, वहां कोई बोलती थोड़ी नहीं है कि आपने मना किया है। तो कौन जीएसटी को ईज करना चाहता है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि जीएसटी काउंसिल में बैठ के आप अपने रेवेन्यू को बचाने की कोशिश करते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि इनने 5% लगा दिया। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा, आई एम टेलिंग यू द बैकग्राउंड, रियल बैकग्राउंड। सो ईज कहां से आएगा, यानी एक मैंने पोल किया था अपने ट्विटर पे, आप लोग हैं ट्विटर पे मेरे साथ, कितने लोग हैं ट्विटर पे, जो नहीं है उनको फिर मौका है ऐड कर सकते हैं अपने आप को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डर ये लगता है कि अभी बोल के जा रहे हैं विमल जी, पता नहीं उसके चार्जेस हो। मैंने एक पोल किया था, पोल ये था ITC इज बिकमिंग सो क्रिटिकल, इट लुक्स लाइक दे आर नॉट रियली विलिंग टू गिव द क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो कॉन्सेप्ट था ना जीएसटी जब आया था, सीमलेस की तो धज्जियां उड़ा दी। मैं अभी एक ही प्रोविजन समझा रहा था तो उन्होंने कहा 17.5, अभी तो रूल 42 पे नहीं गए, रूल 43 पे नहीं गए, कितने सारे बैरियर हैं। क्रेडिट लेना अपने आप में सांप सीढ़ी का खेल है, माने यानी सांप सीढ़ी खेली हो अगर 100 तक जाना है तो बीच में कहीं तब जाके क्रेडिट मिलेगी, और वो क्लाइंट क्या सोचता है रिटर्न भरना कितना आसान है। सर वापस आइए, तो उस पोल पे मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को अगर क्रेडिट नहीं देते तो क्रेडिट को बंद करते, खत्म करते, तो जीएसटी की रेट को आप लोअर ले आइए ना, 5, 12, 18, 28 जो है उनको कम कर दीजिए, लेट्स से क्रेडिट नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय, मैंने पूछा था, मोर देन 2000 वोट आए थे उस पर, 90% ऑडियंस ने कहा था क्रेडिट बंद करो यार, पर जीएसटी के रेट। सर मैं तो आपकी वाइब्रेशन बोल रहा हूं, ये रेस्ट्रिक्शन आपके आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला था जो प्रोविजन मैंने स्टार्ट किया कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट ए इजीएस्ट टास्क टुडे। तो मैं झारखंड हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, मैंने आपको GSTR 1 रिवाइज वाली बात की। इन माय हम्बल सबमिशन अगर आप मुझसे पूछे दिस मैटर विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर श्योर, एंड इट नीड टू बी रिविजिटेड। मैं GSTR 1 की रिवाइज की बात कर रहा हूं, जहां देयर इज नो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, व्हाई दे विल नॉट अलाउ। और एक आपको टैक्स प्लानिंग देके जाता हूं, टैक्स प्लानिंग देके जाता हूं विद इन 4 corners ऑफ लॉ, 2A में नहीं आ रहा, 2B में नहीं आ रहा, क्रेडिट ले लीजिए लेकिन फिर रिवर्स मार दीजिए। क्रेडिट लिया और मैंने रिवर्स मार दिया, इट इज एक्टिवाइज, मैंने क्रेडिट यूटिलाइज नहीं करना, यूटिलाइज नहीं करना। टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 इज फॉर अवेलमेंट नॉट फॉर री अवेलमेंट। मेरी बात आपको समझ में आई,
इस केस में भी ये चीज हो सकती है कि जैसे ही इसका जीएसटीआर 1 में राइट होगा, इसके 2A में आ जाएगा प्रायर टू 1st January 2022. यू कैन रीअवेल द क्रेडिट. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट एट फर्स्ट गो. होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. पक्का ना? चलिए, इस पार्ट को हम समझ गए. अब मैं दूसरे सेगमेंट में करता हूं. मैंने कहा क्या चीज क्योंकि जो टैक्स है ही नहीं, जो ह्यूमन एरर से एक जीएसटीआर में किसी का एक त्रुटि हो गई, उसके लिए वो सेक्शन 265 का भी क्लियर. मनोज भाई पूरे लिटिगेशन में आगे वो तो कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे. यहाँ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम समझना चाह रहे हैं. योर पॉइंट्स आर वेल टेकन एंड वी आर द आर्गुमेंट व्हेन वी आर फाइलिंग अ रिट पिटीशन. लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. नो योर सप्लायर. अब आप कहेंगे सर माल तो बिमल से ही लेना है. अब बिमल कॉम्प्लायंट नहीं है और मैंने आपसे कह दिया 1st January 2022 के बाद आपके पास आर्गुमेंट नहीं रहेंगे. सर आपको टैक्स कॉम्प्लायंट सप्लायर ही चाहिए, आपके पास कोई स्कोप नहीं है. तो गवर्नमेंट ने आपको क्या कह दिया मालूम है? टू वे कम्युनिकेशन खत्म. टू वे कम्युनिकेशन मतलब जो मेरा और आपके बीच था खत्म. अब आपकी क्रेडिट किस पे डिपेंडेंट है? कुछ प्रोविजन में आपको बताता हूं. मेरे पास कई रिसिपिएंट आते थे, वो बोलते थे सर ये अपना जीएसटीआर 1 सही ढंग से बिमल जीएसटीआर 1 सही ढंग से नहीं भरता, कई बार जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करता, मेरे 2A 2B में नहीं दिखता. सर मैं कैसे पकड़ूं इस बंदे को? हाउ टू कैच होल्ड ऑफ हिम? तो गवर्नमेंट ने अब आपके लिए एक सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया है. 2A कम्युनिकेशन ऑमिट कर दिया. 42 43 43A कॉरेस्पॉन्डिंग रूल सब ऑमिट. 1st अक्टूबर 2022 से अब सारी चीजें मैच होंगी. कैसे मैच होंगी मैं आपको बताता हूं. रूल 59 सब रूल 6 सीजीएसटी रूल. अगर मैंने अपना पिछला मंथ का 3B नहीं भरा तो मैं करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता. यानी प्रॉब्लम सॉल्व कि मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया या नहीं किया. एम आई राइट? आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? जब तक मैं 3B नहीं भरूंगा तब तक मैं करंट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल 75 सबसेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन. वो तो नेगेटिव डिस्कस कर रहा था, पॉजिटिव डिस्कस कीजिए. अब मेरे 1 और 3B में भी मिसमैच नहीं होना चाहिए. अदरवाइज सेल्फ असेसमेंट टैक्स. मुझे मैंने एक बार गलती कर ली मनोज भाई, दो बार कर ली, बार बार गलती करूंगा तो पकड़ेगा ना? हैबिचुअल ऑफेंडर. यानी 1 और 3B में कभी कभी तो ठीक है, लेकिन रेगुलर अगर आप 1 3B का गेम कर रहे हैं देन यू आर पर्सन इन अ ट्रैप एंड यू शुड बी. शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे. एम आई राइट? वी आर हियर फॉर ऑनेस्ट एंड जेन्युइन टैक्स पेयर. हम यहां पे टैक्स इवेजन को एडवोकेट नहीं कर सकते. तीसरी प्रोविजन, आपने पुराना जीएसटीआर 1 नहीं भरा पर आप करेंट मंथ का जीएसटीआर 1 भरना चाहते हैं, पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं? नहीं, नहीं? अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया? कभी ये 1 नहीं भरता था तो मेरे 2A और 2B में नहीं आता था. इसीलिए ने कहा कि आपके सप्लायर को 1 भरना पड़ेगा. पहले वो पुराने मंथ का भरेगा तभी करेंट मंथ मिलेगा उसको. अदरवाइज वो करेंट मंथ का भी जीएसटीआर 1 नहीं हो सकता. एम आई क्लियर? उधर से लेफ्ट हैंड साइड क्लियर? पक्का? चौथा कंडीशन, करंट मंथ का अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो आपका 3B भी अनेबल नहीं होगा. यानी आपको 1 भरना है तभी आपका जीएसटीआर 3B अनेबल होगा. विद दिस प्रोसेस सीक्वेंशियल फाइलिंग दो डिपेंडेंट ऑन सप्लायर बट द ईच विल कम इन टर्म्स ऑफ योर क्रेडिट which was disputed for the past period. Am I clear to all? Yes. Sequential filing, am I clear to all? एक बार जोर से बोलना पड़ेगा आपका. हाँ, कहना पड़ता है.
अब मैं तीसरा आर्गुमेंट, तीसरा एक बड़ा पॉइंट लेता हूँ। इन्हें लेटेस्ट इन जीएसटी क्या रखा है, तो लेटेस्ट में जो जो मुझे फायरिंग एंड बर्निंग वाले लग रहे हैं वही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बिफोर तीसरे पॉइंट पे जाऊं, एक चीज पूछूं आप लोगों से, ऑल आर गोइंग, आपको सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, राइट? एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पैन इंडिया कि आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया और सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं करा, आपको क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ या ना? अच्छा कितने लोग कहते हैं क्रेडिट मिलेगी? हाँ। अच्छा सब ना होने कौन कह रहा है? ये जरूर आप पार्टी से कहा मिलेगा लाइटेड नोट पे सर, कोई तो पक्का बोलने वाला चाहिए और मैं आपको दिला के जाने वाला हूं बिल्कुल मिलेगा 100% मिलेगा। अब मैं आर्गुमेंट लेता हूं, देखिए आर्गुमेंट क्या लेंगे हम लोग। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या कहता है कि आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया, आपने तो मुझे दे दिया, अब मैंने जमा नहीं कराया, तो अगर प्रॉब्लम होनी है तो सप्लायर को होनी चाहिए, बट ये प्रॉब्लम किसके साथ करते हैं? रिसीवर के साथ, उससे कहते हैं तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। एक तो आपने दे दिया और फिर आपको क्रेडिट डबल डबल लॉस। मैं पहले प्री जीएसटी में आपको लेके आता हूं, प्री जीएसटी में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है के इंडस्ट्रीज लिमिटेड and the dispute was whether credit can be denied for the recipient for the fault of supplier of non-payment of taxes. Honorable Supreme Court had held it can't be denied for the fault of supplier. Under that regime, all the High Court has given judgment in favor of a taxpayer, except Bombay High Court, Mahapatal Lakshmi case. Except Bombay High Court. जीएसटी में भी आ रहा था, जीएसटी में तो जजमेंट भी इतने क्विक आ रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ डी वाई बेथल इंटरप्रेटेशन। उस जजमेंट में क्या था आपको थोड़ा सा मैं कैद करवाता हूं। डिपार्टमेंट आपके पास आया और आपसे कहा कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि विमल ने पैसा जमा, विमल मतलब सप्लायर है, राइट? पूरे एग्जाम्पल आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि विमल ने टैक्स जमा नहीं करा। आपने दो आर्गुमेंट लिए कोर्ट के साथ, पहला आर्गुमेंट लिया कि आप विमल को पकड़िए ना, आपने दोनों को रजिस्ट्रेशन दिया है, मुझे भी दिया है और सप्लायर को भी दिया है, अगर सप्लायर डिफॉल्टर है तो आप सप्लायर को पकड़िए ना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप मेरे पास ही सीधे आ जाते हैं। दूसरा आर्गुमेंट, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट, टू वे नहीं आया था ना मेरे पास कोई विंडो अवेलेबल नहीं थी जहां मुझे देखे कि विमल ने लेने के बाद भी जमा नहीं करा। इसको एक और ऐड करता हूं कि आज भी आपके टूए में आ गया तो गारंटी है सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया होगा? पूछ रहा हूं मैं आपसे, नहीं सर, वो दिखाएगा टूए में स्टेटस फाइल, बट मेरी इनवॉइस को सप्लायर ने इंक्लूड किया है या नहीं किया दैट इज नॉट कमिंग। वो तो सिक्वेंशियल फाइलिंग जो मैंने प्रोविजन जो बताया है ना अब उससे इन्वॉल्व होगी, यानी पास्ट पीरियड के लिए अगर टूए आ भी गया था तो भी उससे ये क्लैरिटी नहीं थी कि मेरी क्रेडिट का सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है या नहीं कर दिया। एम आई राइट? तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ डी वाई बेथल इंटरप्राइजेस हैज हेल्ड Department must take action against the defaulting supplier. Unless they take action against the defaulting supplier, they can't ask reversal of credit from you, and that too along with interest. अब एक provision मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा provision,
जिसमें डिपार्टमेंट का भी आर्गुमेंट है और हमारा भी आर्गुमेंट है. सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 फाइनेंस एक्ट 2022 से इसको अमेंड किया गया. 41 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, विमल देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल क्रेडिट. बहुत अच्छी बात. उन्होंने कहा विमल तुझे प्रोविजनल क्रेडिट का जो सारे कॉन्सेप्ट होते थे ना कि तूने प्रोविजनल क्रेडिट ले ली आपको सारे सिस्टम खत्म, प्रोविजनल क्रेडिट का चक्कर ही नहीं रहा. दूसरा जो प्रोविजन है वो आप ध्यान से सुनिए. एंड हियर इज द डिफेंस ऑफिसर. अभी आप लोगों ने कहा था क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर सप्लायर ने पे नहीं किया. अब तक तो मैं आपको ट्रेवल करा के ऐसी स्टेज पे ले आया हूं कि अब आपको लगता है कि क्रेडिट मिलेगी. अब मैं एकदम कंफर्म करने वाला हूं कि आपको क्रेडिट मिलेगी. ध्यान से सुनिए 41 सबसेक्शन 2 विच इज ए प्रोस्पेक्टिव क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2022 effective from 1st of October 2022, यानी prospective clause है, retrospectively applicable नहीं होगा. क्या कहता है कि अगर supplier ने tax का payment नहीं किया, तो आपको credit reversal करना पड़ेगा. Credit reversal along with interest करना पड़ेगा. 41 subsection 2. अच्छा ये provision क्यों लाए लोग? मन में आता है ना, पहले भी तो था ये झगड़ा मनोज भाई, पहले भी तो था ये वाला झगड़ा कि क्रेडिट रिवर्सल की बात होती थी. ये प्रोविजन लाने की वजह क्या थी? अब कोर्ट में जाके डिपार्टमेंट ये आर्गुमेंट लेने वाला है मी लॉर्ड देयर द प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन 41 सबसेक्शन 2 एंड व्हाई दिस प्रोविजन रिवर्सल इज रिक्वायर्ड. Otherwise, in GST law, everything is supplier-driven unless RCM liability. Section 9 को read कर लीजिए, Section 15 को read कर लीजिए, सारे 73, 74 so-called notice read कर लीजिए, सब supplier-driven है. आप recipient से reversal नहीं मांग सकते, जो अभी थोड़ी देर पहले हम discuss कर रहे थे. तो आप court में ये कहेंगे, my lord, 41 subsection 2, it is demanding reversal now. So it is backed by provision of the law, hence he must reverse credit for non-payment of tax by the supplier. And that too along with it. But the period starting from 1st October 2022. Ab main kya argument lene wala hu? Agar prior to 1st October 2022 ka case hai, main argument ye lene wala hu, with this provision which is now prospective made applicable from 1st October 2022 meaning thereby for the past period there is no reversal provision. There is no reversal provision, hence you can't demand reversal. So for non-payment of tax you must go back to the defaulting supplier and claim. Usse mangiye aap. Aapko meri baat samajh mein aayi? हाँ, सो यानी टू माय माइंड डिफॉल्टर इज अ सप्लायर. नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स वो डिफॉल्टर सप्लायर को देगा, लेकिन 1st October 2022 से वी हैव टू बी केयरफुल. एम आई क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? पक्का? चलिए अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी लिया, तो एक कनेक्टिंग प्रोविजन और आपके साथ इसको पहले क्लोज कर देते हैं. इंटरेस्ट का क्या होगा सर? जो इंटरेस्ट आप रिवर्सल पे पे करेंगे उसका क्या होगा? क्रेडिट मिलेगी? इंटरेस्ट तो कैश नहीं जाता, एम आई राइट? क्रेडिट नहीं मिलेगी. और जब मान के सप्लायर ने पे कर दिया तो उस इंटरेस्ट का रिफंड मिलेगा क्या? हाँ ना सर, बताइए मिलेगा क्या? मिलेगा सर. इंटरेस्ट इज ए कॉस्ट. अब एक चीज बड़े इंटरेस्टिंगली और समझा, ये डबल टैक्सेशन नहीं है, अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है. कैसे अनजस्ट एनरिचमेंट है? देखिए इस पे हम क्लियर कर सकते हैं कोर्ट में जाकर. सप्लायर डिफॉल्टर था, सप्लायर जब पे करेगा तो इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, am I right? जिसका आपने रिवर्सल बायर से करवा दिया, आप उससे फिर इंटरेस्ट मांगते हो उसी अमाउंट पे जिसपे सप्लायर ने इंटरेस्ट. It is not unjust enrichment. एक ही ट्रांजेक्शन पे दो बार आपने इंटरेस्ट ले लिया मेरे से,
कहां लिखा है वहां कि एक ही ट्रांजेक्शन पे दोनों टैक्स पे करेंगे। सप्लायर डिफॉल्टर था वो इंटरेस्ट पे करेगा, आप उसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिवर्सल के इंटरेस्ट क्यों? ओपन क्लियर? सो मैंने आपको दो अच्छे पॉइंट दिए 41 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट। टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट, क्या टाइम लिमिट है सर हम लोगों की? सर बताइए क्या टाइम लिमिट है? 30th November। कई लोग जीवन ट्राई करने लगे, कईयों को लगने लगा पता नहीं क्या प्रोविजन है, कैसा प्रोविजन है। एग्जाम्पल ले 21-22 का लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22। पहले प्रोविजन क्या होता था? अर्लीस्ट ऑफ टू डे, अर्लीस्ट ऑफ टू डे, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ सेप्टेंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एम आई राइट? यानी सीबी 39 में जाता था, उसकी नॉर्मल डेट क्या होती थी? 20 अक्टूबर। और 21-22 की बात कर रहा हूं, एम आई राइट? 21-22 यानी 20 अक्टूबर 2022। पक्का ना? किसी का कोई डाउट? 20 अक्टूबर 2022। और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न तो वो तो 31 दिसंबर 2022 होगी, यानी अर्लीस्ट डेट जो होगी वो होगी 20 अक्टूबर 2022। अब इन्हें चेंज कर दिया, इन्हें कह दिया ये ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39, दे हैव अमेंडेड, इट इज नाउ 30th November और 31st December, whichever is earlier। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 20 अक्टूबर रहेगी या 30th November रहेगी? एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है मालूम है सर? हम लोग ना वो प्रेस रिलीज कर लेते हैं, हम सब प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद ना कंक्लूड करना चालू कर देते हैं, मैम मेरे साथ हैं, आप तो मेरे साथ हैं पीछे से, हाँ मुझे लग रहा है आपको चल रहा है, नहीं नहीं कुछ चल रहा था तो हमें भी बता दीजिए, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए मैं क्यों चाहता हूँ मालूम है, ऑडियंस में अगर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन होता ना मुझे लगता है कि यार मैजिक यहाँ जा नहीं रहा, और मैजिक तभी जाएगा जब आप मुझे फॉलो करेंगे, मुझे देखेंगे, मेरे को सुनेंगे। ये हो सकता है कि वो ये कोई जीएसटी के रिटर्न भरने वाले हैं, इनको तो बस रिटर्न भरना है, लेकिन रिटर्न कैसे भरना है? मैंने एक्सीलेंसी की बात की आप सभी से, ये एक्सीलेंसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा 21-22 के लिए डेट क्या होगी, आप सबने कहा 30th November, ऐसा ही कहा था आप लोगों ने, पर क्यों होगी? मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था प्रेस रिलीज आने से पहले। कुछ चीजें होती है जो हम पहले से कंक्लूड करते हैं कि हाँ 30th November 2021-22 के लिए एप्लीकेबल होगा, प्रेस रिलीज तो 3 दिन बाद आई थी। देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजन व्हिच इज हेल्पिंग मी कि 30th नवंबर होगी, तो दो तीन चीजें अपन करें फास्ट एंड क्विक। अब सितंबर का रिटर्न जीएसटीआर 1 आपका जा रहा है 11th of October, जो मंथली कार्य में है लेस देन 5 करोड़ उनका जा रहा है 13, आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है 14 को, एम आई राइट? अक्टूबर का जब आपका सप्लायर भरना होगा तो 11th of November, एम आई राइट? और जो मंथली फाइलर है लेस देन 5 करोड़ 13th of November। मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी, अगर जिसकी ड्यू डेट 11th of November है और उसने 17 नवंबर को GSTR1 भरा, आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा? नहीं, पक्का ना? नहीं होगा। तो 30 नवंबर का क्या लेना देना? ये तो नाटक हो गया, क्योंकि 2B में जब नहीं आएगा तो 2B की कंडीशन मैंने सेटिस्फाई नहीं की, नहीं थी ना, जबकि मुझे डेट देता है 30th। लॉ की भी कई बार समझ में नहीं आती एप्लीकेशन ऑफ माइंड है या नहीं,
कह दिया है जो 11 और 13 नवंबर तक जाएगा वही 14 में दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। तो 30 नवंबर तो नाटक है। आप लोगों ने नहीं सुना है वाली बात? नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? कि डिस्कशन ही कम होता है हमारा इस बातों में। तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो भी आपके सप्लायर है वो टाइमली आपका GSTR 1 भर दे, अदरवाइज होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 30 नवंबर। अब एक और आर्गुमेंट ले, एक और डिस्कशन कर लें। सितंबर का रिटर्न अक्टूबर में जाता है, अक्टूबर का रिटर्न नवंबर में जाता है। क्रेडिट कार्ड किसने अवेल करते हैं? 3D में है, राइट? तो मान लीजिए आपके सप्लायर ने प्रॉपर रिटर्न भरा है, आपके 2D में भी आ रहा है, 11 नवंबर को भरा, 13 नवंबर को भरा, आपके 2D में आ रहा है, बट आपने क्रेडिट नवंबर दी, 3D में ले लिया, राइट? ड्यू डेट क्या है? 20 दिसंबर। ड्यू डेट क्या है? 20 दिसंबर। 3D की नवंबर की 20 दिसंबर, अक्टूबर का 3D, तो आपने नवंबर बता दिया, नवंबर का 3D 20 दिसंबर। तो नवंबर का 3D 20 दिसंबर को जो आप भरेंगे आपको क्रेडिट मिल जाएगी, हाँ या ना? ये 30 नवंबर की बात करता है, 30 नवंबर हाँ कौन है भाई जो कहते मिलना चाहिए? मेरी बताइए ना कौन? आप हैं। अच्छा आप, ये पक्के एकदम मिलना चाहिए, लेकिन ये बोलता है 30 नवंबर टू माय माइंड, ये आपको क्रेडिट नहीं देना चाहता। यानी एट मोस्ट अक्टूबर का जो आप भर रहे हैं 20 नवंबर तक वो तो ठीक है, लेकिन नवंबर का जो आप भर रहे हैं वो नहीं देना चाहता। So you have to be very, very careful and it's subject to litigation. तो मैंने आपको ये time limit section 16 subsection 4 कर दिया आपके सामने। एक provision और करना है इसके साथ, और ये interesting है, आपका exam ले रहा है, exam के लिए तैयार है आपको? लेकिन exam कोई कोई ले रहा है, exam के लिए तैयार है? All are ready? नहीं ready नहीं, अभी बाबा बाबा ready है? Perfect. मैं supplier हूँ sir. मैं सप्लायर, मैंने एक इनवॉइस रेज किया था 18-19 में, 1 जनवरी 2019 को। कब रेज किया? 1 जनवरी 2019 को। प्राइस इसके लिए सिर्फ था मैम, पहले 100 रुपए की सप्लाई की थी, बाद में हमारा तय हुआ कि नहीं नहीं आप 120 रुपए देंगे, तो 20 रुपए का मैंने डेबिट नोट रेज किया। डेबिट नोट की डेट थी अक्टूबर 2022 से, डेबिट नोट की, बट पर्टेनिंग टू माई ओरिजिनल इनवॉइस डेटेड 1 जनवरी 2019। Am I clear? लेकिन फैक्ट्स अगर क्लियर होगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। इनवॉइस 18-19 की है, उससे रिलेटेड जो डिफरेंस था वो मैंने रेज किया अक्टूबर 2022 में। अब टाइम लिमिट का डिस्कशन करना है। टाइम लिमिट फॉर इनवॉइस 18-19 वो तो चला गया, फॉर डेबिट नोट विच इज पर्टेनिंग टू माई ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ 18-19 दो इट इज डेटेड अक्टूबर 2022 क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ, पहले हाँ वाले हाथ पाइए, मिल जाएगी। और क्रेडिट नहीं मिलेगी हाथ पाइए, सर ऐसे कर चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक पार्टी ज्वाइन कर ली है बीजेपी चाहे कांग्रेस, जहां दादा जोहार। देखिए मैं झारखंड में हूं, सुबह मैंने सुन रहा था आप लोग जोहार बोलते हैं, तो मेरा भी बोलना बनता था, लेट होगी मेरे से, बट मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोग मोबाइल नहीं चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे तो मेरा डिस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। देखिए मैं तो जो सारी चीजें कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, हमारे तो ट्यूनिंग बना के रखिए। वो याद है ना पुराना जमाना जब एंटीना ऊपर से हिल जाता था तो नीचे, हाँ सर वो अभी भी है। मैं उस ऑडियंस को बता तो मैं PPT प्रेजेंटेशन देता आपको कि मैं बोलते
में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, मैं तो एक कदम मैं तो मोदी जी को फॉलो करता हूं, नहीं सुनेंगे तो भी सुना के जाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो भी सुना के जाऊंगा, और उसके बाद भी नहीं सुना ना तो पीछे मैंने लोग बैठक बैठा दिए, उन्हें किसको आइडेंटिफाई कर दिया, उनको चार पांच लोगों को आइडेंटिफाई कर दो, पीछे रूम भी खाली कर देता है, अंदर ले जाके ऐसा अवार्ड देंगे, जब आप बाहर आएंगे तो बोलेंगे फिर आप जब भी आएंगे ना कहते हिलेंगे। देखिए लाइटर बट टू मेक इट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मुझे लगा कोई स्लिप आने वाली है, पक्का ना टाइम है ना मेरे पास, अभी तो टाइम है सफिशियंट है, नहीं नहीं वो मैंने बोल दिया सर, वो मेरा हक है टीम चेयर में, मैंने बोल दिया है उससे, तो फिर से मैं वोटिंग कर रहा हूं, पोल ले रहा हूं, डेबिट नोट डेटेड अक्टूबर 2022 बट पर्टेनिंग टू ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ 1819। मैंने पूछा उसकी क्रेडिट, कभी 1819 का टाइम पीरियड तो गया, क्रेडिट लेने आपको क्रेडिट मिल जाएगी, मैंने पूछा हाँ बताइए तो हाँ वाले हाथ उठाएंगे, क्रेडिट मिल जाएगी सर डेबिट नोट वाले, और कितने नहीं मिलेगी, ना वाले भी बहुत है और ये वाले तो कुछ तय करके बैठे, बोले यार तू बोलता है, मुझे तो ना हमें जाना है ना भी जाना है, एक मोटा भी जाना है मोटा करते रहिए सर, कुछ चीज ऐसी है जिनको आप बदल, लेकिन बाबा रामदेव बोलते हैं आप कहीं भी जाइए थोड़ा हाथ पांव उठाते रहिए, उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ मिला ही है, और मैं भी आपको ये छोटे छोटे बीच में हंसाने का काम क्यों करता हूँ मालूम है, जिससे मुझे ये लगने लगे आप मेरे साथ चल रहे, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो आप बोलेंगे पता नहीं है वो आर्टिकल 265 ये सारी चीजें, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छा क्रेडिट मिल जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से प्रोविजन चेंज, और उन्होंने कहा कि जो डेबिट नोट पे डेट है दैट इज रिलेवेंट फॉर अवेलिंग क्रेडिट dealing with the original invoices. कुछ नहीं नॉर्मल बिना पैसे के, यही तो मैं देखने जा रहा हूं आपको, am I clear? am I clear? अब एक सबसे बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन करने वाला मनोज भाई भी है, कई लोग हैं जो मेरे साथ बहुत टच में है, मैडम भी है, एक वो आशियन का बड़ा टाइम लिमिट का इश्यू है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए आशियन की आपकी लाइटी थी 1718 की, 1819 की, 1920 की, एडवोकेट ने इनवॉइस रेज किया 1 जनवरी 2019 को 10 लाख रुपए, 10 लाख रखी फीस रखी हूं ना, जिससे मालूम पड़ा बाहर आते पूछने लगे 10 लाख किससे ले रहे हो, सो 10 लाख रुपए की फीस 1 जनवरी 2019 को मैंने इनवॉइस बीइंग एडवोकेट मैंने रेज कर दिया, मैं तो सप्लायर मैंने रेज कर दिया, और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, आप सब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आपको आरसीएम में पे करना था, किसमें पे करना था, आरसीएम, आप भी सो गए नहीं पे किया आपने, अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि आरसीएम की तो लाइटी बनती है और मुझे देना था, पर आपने मुझे भी मेरे 10 लाख रुपए नहीं दिए, कॉमन जल्दी कौन देता है जब तक चारों तगादा में है, और हमारी तो हालत देखिए ना, सीए वाले जो ऑडिट करते हैं ना, इस साल की ऑडिट करेंगे तो पुराने साल की फीस मिलती है, am I right? तो आपने मुझे पैसा नहीं दिया, अब आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि मैंने तो बीमा जी को पैसे ही नहीं दिया, काहे का आरसीएम, आरसीएम लगेगा ही नहीं, तो आपका क्या कहना है, लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ या ना, अच्छा लगेगा, आपने पैसा नहीं दिया तो भी लगेगा, तो बड़ा डिफिकल्ट, अच्छा ठीक है चल लगेगा, अच्छा कब से लगेगा, अब इस ऑडियंस के लिए टेस्ट है, आज मैं इस ऑडियंस में ये देखना चाहता हूं कितने लोग जीएसटी लॉस समझते हैं, पास हो गए कब से लगेगा, 61 डेज, ओके एक कोई आंसर आया 61 डेज, कोई और कुछ बोलना चाहता हूं सर, कोई भी पीछे से, हाँ क्या कह रहे हैं,
माइक है क्या हमारे पास? माइक वाले दादा एक बार माइक लीजिएगा, आपकी आवाज सुनना चाहते हो, इतनी अच्छी आवाज है। हाँ बताइए सर, माइक लीजिए, बताइए। आरसीएन एप्लीकेबल जब से हुआ था? 1 जनवरी 2019 से। आरसीएन तो डे वन से एप्लीकेबल था, इनवॉइस मेरा 1 जनवरी 2019 हो गया है आपके पास। एप्लीकेबल है बट वो अगर पेमेंट नहीं कर रहा है। हाँ नेक्स्ट पार्टी नहीं कर रहा, आपने पेमेंट नहीं किया मेरे को, यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट। बिल रेस अगर कर लिए हो एडमिट कर चुका है। हाँ तो कब से लगेगा? व्हेन आरसीएन एप्लीकेबल, दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा एक पीछे दे दीजिए, बस एक लास्ट चॉइस। सो द डेट ऑन व्हिच आई एज अ सर्विस रेसिपिएंट रेस टैक्स इज वाज एंड सर्विस रिसीव। यस सर, आरसीएम। चलिए अब आपको सर अच्छी क्लैरिटी दे के जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखेंगे ना आप लोग? यस सर, पक्का कोई मिस नहीं करेगा। मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मैं रजिस्टर्ड नहीं, एडवोकेट। मैंने इनवॉइस भेज की 1 जनवरी 2019 को। एक टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन है सेक्शन 13 फॉर आरसीएम लायबिलिटी, वो बोलता है डेट फॉलोइंग द एंड, आइदर दोनों डेट बता देता हूं, डेट ऑफ पेमेंट जो था नहीं, और डेट फॉलोइंग द एंड ऑफ 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, 61st डे विद द पीओटी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, उस दिन से आपका आरसीएम चालू हो जाए। यानी कब से? 1 मार्च 2019 से आपका आरसीएम चालू हो जाएगा। इन रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट आप इनवॉइस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, छोड़िए, पहले आप 1 मार्च 2019 से अपना टैक्स दीजिए पहले। अब आप पे करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा? लगेगा। हाँ ना, वो रिटर्न वाला वो कह जाते हैं सब बात, जिसका हम 3D भर रहे हैं, जो बोलता है कि मैथमेटिक्स का प्लस माइनस है, समझाना पड़ेगा उसको सर, ये 1000 रुपए का काम नहीं है। नहीं है, हम कई बार समझा नहीं पाते सर, माल बेचना आना चाहिए। आजकल प्रोमो आने लगे पिक्चर्स क्यों आते हैं मालूम है? पिक्चर तो पैसे पॉपुलर कर दिया जाए। आज मैं भी अगर आपके पास आया हूं तो मेरा पर्पज यह है कि मैं अपने फिटर्निटी को वो देके जाऊं, यानी 1 मार्च 2020 से। अब आज की डेट लेते हैं सर, अब आज की डेट में आप पेमेंट करेंगे, ये था आपका 18-19 का, क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ या ना? अच्छा अच्छा, इसका वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। 18-19 का आरसीएम था ना, 1 मार्च 2019 को हो गया ना, पे करता है आज अलाउंस इंटरेस्ट 18-19 का था, क्रेडिट आज मिल जाएगी? यस या नो? ये हाँ है। अच्छा मिल जाएगी? ओह सर आप ही कह रहे मिल जाएगी, नहीं मिलेगा ना? अच्छा कितने नाम वाले हैं? अच्छा कुछ लोग जो ऐसे बैठे हुए हैं उनका क्या करेंगे? मोटा सर, मैं सच बताऊं ये पैंट लिया क्वेश्चन आता रहता है, जितने सेमिनार में जाइए, जितने वेबिनार में जाइए, चल चल के आजकल तो जीएसटी सेमिनार छोड़ दीजिए, एक तरीका हो गया है, कुछ बंदे अपना क्वेश्चन लेके आते हैं, उनके आंसर भी उनके पास होते हैं, उन्हें अपना आंसर फ्रेम कर रखा है, राजीव भाई आंसर फ्रेम कर रखा है, और 5 स्पीकर अगर होंगे तो 5ों से पूछेंगे, जिस स्पीकर ने उसकी तरह से आंसर दे दिया वो सबसे बेस्ट, और जिसने उसके हिसाब से आंसर नहीं दिया तो कईयों ने हाँ हाँ में हाथ उठा दिए। अब हाँ में क्यों हाथ उठाए मालूम है? इनको ये लगता है विमल जी हर चीज में हाँ ही कर रहे हैं। सर कल डिस्प्यूट होगा ना, 1819 की लाइटी है ना, इनवॉइस तो 1 जनवरी 2019 का है ना सर, एडवोकेट का 1819 का पीरियड तो खत्म हो गया, कैसे मिलेगी क्रेडिट? अब क्रेडिट मिल जाएगी पर कैसे मिलेगी? अब इसको आरसीएम के केस में जब आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सप्लाई ले रहे हैं, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, रेट विद सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, आपको एक सेल्फ इनवॉइस जनरेट करनी है।
अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज एफ ऑफ सीजीएसटी एक्ट, आप एक सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेंगे एंड माइंड यू उसको आप पुरानी डेट पे कभी मत कीजिएगा, उसको आज की डेट पे कीजिएगा। आज की डेट पे पेमेंट तो अभी तक हुआ ही नहीं है, आज की डेट पे रेज कीजिएगा तो वो 22 डेज का पार्ट हो गया। रूल 36 बी बोलता है विवल तेरे लिए एलिजिबल डॉक्यूमेंट आरसीएम है सेल्फ इनवॉइस प्रोवाइडेड पेमेंट इज मेड, तो मैंने डेट तो आज कर दी, 22 डेज एप्लीकेबल हो गया, पेमेंट में कर रहा हूं आरसीएम का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और मुझे क्रेडिट इसमें एक ही नॉन कॉम्प्लायंस रहा कि मैंने सेल्फ इनवॉइस उस पीरियड में रेज नहीं की, तो जनरल पेनाल्टी 125 की 50,000 रुपीज। एक और एडवांटेज दू, ये मैं नहीं बोल रहा, एक प्रेस रिलीज इशू हुई थी जब हम मैनुअल रिटर्न भरते थे 3 जुलाई 2019 में, और उन्हें कहा था कि आरसीएम को आप उसी 990 में डालें जिस साल में आपने पे किया है। am I clear to all? यानी आपको मैंने क्रेडिट दिलवा दी, अब इसको गुगली करना है ना, वर्ल्ड कप में हार गए हैं। अब सर ने बोला कि आप 10 लाख नहीं दे रहे, मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम की लायबिलिटी आपके ऊपर है, आप क्रेडिट ले लीजिए प्रोवाइडेड यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन आप बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे नहीं लेना बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग पेमेंट, डज नॉट होल्ड ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ओहो सर ने एक और नया प्रोविजन डाल दिया, आप उस प्रोविजन पे आऊंगा, आप उस प्रोविजन पे आऊंगा, इफ यू डोंट पे विद इन 180 डेज आई विल कम बैक यू, बट आपने गलत क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, मैं आऊंगा इससे पहले मैम की कोशिश हो। ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर मैं रजिस्टर्ड सप्लायर होता, ध्यान से सुनिएगा सर, पीछे हो जाए भाई साहब, ठीक है ना भाई साहब, शैल आई स्टार्ट? इफ आई एम रजिस्टर्ड सप्लायर, मैम फर्स्ट जनवरी 2019 मैंने इनवॉइस रेज किया, जीजीए रजिस्टर्ड हूं बट आरसीएफ की लाइटी है, पीओटी तो आपकी फर्स्ट मार्च 2019 ही हो जाएगी राइट, फॉर रजिस्टर्ड सप्लायर कैन यू अप्लाई द प्रोविजन विच आई डिस्कस नाउ, बताइए हाँ या ना, ये बहुत कम आवाज आई। सर रजिस्टर्ड सप्लायर के केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, फॉर द रीजन रजिस्टर्ड सप्लायर फर्स्ट जनवरी 2019 को अपनी इनवॉइस चेंज करेगा, जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, टिक करेगा आरसीएम, यानी डेटेड इज ओनली फर्स्ट जनवरी 2019 को जो भी एप्लीकेबल, फॉर रजिस्टर्ड सप्लायर क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। सो आपकी वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है ना? So, यानी आरसीएम अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो बिंदास लीजिए प्रोविजन कम्युनिकेटेड। अब एक क्वेश्चन अटैच कर दिया गया तो अटैचमेंट को भी फुलफिल कर दिया, एक प्रोविजन है सप्लायर ने भी वॉइस रेज किया, सप्लायर 10 लाख रुपए का, और ये जब मैंने आपको रेज किया तो आपको पेमेंट करना बनता है, बनता है ना? अब इनने जो कनेक्शन दे दिया उन्हें आरसीएम इसके अंदर डाल दिया जो गलत डाल दिया था, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर आरसीएम की लाइबिलिटी है तो उसमें ये प्रोविजन एप्लीकेबल 180 डेज का होगा ही नहीं। अब समझ लीजिए 10 लाख का मैंने इनवॉइस रेज किया, 18% जीएसटी चार्ज किया, 1.8 लाख रुपी आपके पास आ गया, आपके पास आ गया। लिसन वेरी केयरफुली, इसमें भी मुझे आपका एग्जाम लेना है, एग्जाम ध्यान से सुनिए, अगर ये आरसीएम की लाइबिलिटी होती तो क्या ये प्रोविजन आपके उसमें क्या बोलता है कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया अलॉन्ग
इंटरसीव होता है ना, यहां तक तो ठीक है ना सर? हाँ पक्का? अब आपने पेमेंट नहीं किया, आशिया के लिए प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? बिग नो, बिग नो। अब तीन चार और एग्जाम्पल कर लो। मान लीजिए ये डिस्टिंक्ट पर्सन की सप्लाई होती, शेड्यूल पर का ट्रांजेक्शन होता, उसके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? सही है सर? आप साइलेंट हो गए। डिस्टिंक्ट पर्सन समझ गए ना? विद इन सेम पैन नंबर टू डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए मैंने अपने ब्रांच को ट्रांसफर किया है, तो कंसिडरेशन तो आया नहीं मेरे पास, पर मैंने जीएसटी चार्ज किया है, तो उसमें ये सिक्स मंथ्स का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। तीसरा प्रोविजन, इतना हम नेटअप की बात करते हैं, नेटअप ARNAP, मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख नेट ऑफ रह गया ना, तो अगर रिवर्सल बनेगा तो 10 पे बनेगा या 5 पे बनेगा? 5 पे। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। पार्सल पेमेंट किया, 10 लाख का बिल था, लेकिन आपने 5 लाख ही मुझे पे किया है, तो रिवर्सल अगर करना है बियॉन्ड 180 डेज, 10 पे करेंगे या 5 पे करेंगे? 5 पे करेंगे। क्लैरिटी है ना? एक और प्रोविजन देखिए, आप लोग इतना लर्नेड है, सारी चीज समझते हैं। अब ये वाला गुगली है, तो गुगली के लिए आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। एक सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी होता है सीजीएसटी है। मैं सप्लायर हूं, मान लीजिए आपने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 100 करोड़ का, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं 100 करोड़ का, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें सीमेंट आयरन स्टील सब कुछ था। आपने कहा विमल ये कंस्ट्रक्शन करना है, ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, तो उससे रिलेटेड एक प्रोविजन दिया, वो भी डिस्कस कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपने मुझे दे दिया, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया 100 करोड़ का, इसमें सीमेंट आयरन स्टील एवरीथिंग इंक्लूडेड, सब इंक्लूडेड है, तो दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन के मान लीजिए सीमेंट और स्टील जो सप्लायर की ऑब्लिगेशन थी, बट आपने खरीदा 50 करोड़ का, आपने 50 करोड़ का खरीदा और मुझे दे दिया, जबकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैं लायबल था, मुझे रिकट करना था। अब मैं क्लियर क्लियर, अब मैं आपको इनवॉइस एज करूंगा, तो मुझे तो 50 करोड़ रुपए ही मिलते हैं आपसे, पर जब मैं इनवॉइस एज करूंगा तो वो 50 करोड़ पे जीएसटी लगाऊंगा या 100 करोड़ पे लगाऊंगा? 100 करोड़, because supplier liable but incurred by the recipient। Am I clear? 100 करोड़, पर मुझे मिलना तो 50 ही है, तो 50 तो आपने दिया ही नहीं, तो ये 180 days provision applicable होगा? Please say yes। आप थोड़े silent हो गए, इसका मतलब आपने सोचना start कर दिया। This provision is not going to be applicable for 15 subsection 2 clause B. नहीं एप्लीकेबल हो। इतना कहने के बाद दो चीजें और इसमें कनेक्ट कर दूं, एंड दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में हम सबने देखा है, दुकानें बंद रही, ऑफिस बंद रहे, फैक्ट्री बंद रही, एंड सम टाइम यू आर नॉट एबल टू पे विद इन 180 डेज। सो प्रोविजन सेज यू नीड टू रिवर्स अलोंग विद इंटरेस्ट। So I'm asking you, there are force majeure clause in the contract, and there is no force majeure clause in the contract. Had it been force majeure clause in the contract, you would have argued beyond recipient fails to pay. The provision starts like this: recipient fails to pay. He fails to pay because of the force majeure clause. Just tell that hai. Can he fail? Nahi hua. Normal situations. लेकिन अगर फोर्स मेजर क्लॉज ना हो और आपको अब एक टैक्स प्लानिंग देके जा रहा, दिस प्रोविजन इज ऑल्सो गिविंग मी टू वे टू लुक एट द प्रोविजन। दिस प्रोविजन स्टार्ट ओनली व्हेन रिसीपिएंट फेल्स टू पे। तो पहले मैं ईजी दू, फिर मैं बाउंसर दूंगा। एक एएमसी कॉन्ट्रैक्ट में हम इंटर करते हैं,
डे वन राइट, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट में, जब एएमसी कॉन्ट्रैक्ट हम इंटर कर गए तो कई बार क्रेडिट टर्म जो होते हैं वो बियॉन्ड सिक्स मंथ होते हैं। मान लीजिए क्रेडिट टर्म 100 साल का, 1 year, when credit term specifically agreed between supplier and recipient, it is extending 180 days, whether this provision going to be applicable? Say yes or no. Recipient is not failing because agreed terms. Had it been defined date of payment and you are not paying, then only recipient fails to pay. तो कोविड में मान लीजिए ऐसा हुआ, मुझे देना तो था, आप दे नहीं पाए, आप दोनों हम आपस में बैठ गए टेबल के ऊपर, एग्री कर गए तो ठीक है 6 महीने बाद दे देना, बट दैट इज नाउ एक्सीडिंग 6 months टाइम पीरियड। सो प्लीज टेल मी, आर यू सपोज टू रिवर्स व्हेन यू आर रीनेगोशिएटिंग एंड फिक्सिंग ए फ्यूचर डे फॉर पेमेंट विच इज एक्सीडिंग 180 डेज, आपको रिवर्सल करना पड़ेगा? Say yes or no? No. No? No. See, for me, I'm of the opinion, you did not require, but have documentations prepared. Agree the rate negotiation. Say that this is mutually agreed between both the parties. Hence, there is no recipient fails to pay. To my mind, this can be argued in this manner. But yahan pe ek cheez samajhne ki koshish kijiye. और बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है जीएसटी का बेसिक थीम में। सर एक बार एक मिनिस्टर उन्हें मुझे बुलाया, उनसे कहा बिमल जी आपसे ईज ऑफ बिजनेस पे कुछ समझना है। मैंने कहा सर बिल्कुल आपको बताना है मुझे ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर और आप सब मेरा साथ दीजिएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्पल मैंने उनके सामने रखा। आई सेड सर ईज ऑफ बिजनेस जीएसटी में वी हैव टू रियली थिंक वाइडर। You're saying SME, small and medium sector, am I right? Yes. Sir, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने मान लीजिए कि वॉइस रेज किया। Can I, excuse me, can I put a request on the back? Please stop now. Do it in the lunch time. आप lunch time पे कीजिए। Please stop it now. थोड़ा बाहर जाइए आपको। Please go. Listen now, ये मैंने मिनिस्टर साहब के सामने डिस्कस किया था। And let me say, he was deputy chief minister of Bihar, सुशील मोदी जी थे। उन्होंने कहा बिमल थोड़ा सा जीएसटी के बारे में आप बताओ कहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई सेड सर मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वो इससे ही रिलेटेड है इसीलिए मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजिस्ट्रेशन उसने ले लिया क्योंकि उसकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर है। अब उसने इनवॉइस रेज किया, जीएसटी चार्ज किया, तो मान लीजिए मैंने इनवॉइस रेज किया और जीएसटी चार्ज किया, बट आप तो मुझे देते नहीं है क्योंकि मुझे पिछले साल की ऑडिट की फीस इस साल मिलती है, पर जब मैंने इनवॉइस रेज किया तो मुझे जीएसटी जमा करना पड़ेगा। आई नॉट रिसीव द पेमेंट, करना पड़ेगा क्या? बताइए ना, करना पड़ेगा राइट। मैंने कहा सर ये कौन सा आप एसएमई को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बंदा कहां से लाएगा, इसको पेमेंट मिला नहीं है सर, इसको पेमेंट तो मिला नहीं है, इसको पेमेंट तो मिला नहीं है और आप इससे कहते हैं जीएसटी दे। मैंने कहा सर पहले तो आप इससे बोलते जीएसटी जमा दे, तो ये करेगा कहां से, इसका तो पैसे ही नहीं, ये तो वैसे ही एक साल की लैगिंग में पेमेंट लेगा। और दूसरा अगर ये जमा नहीं करेगा तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आने कर रखे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 18%। सर आप तो कहते थे बैंक में जाए वर्किंग कैपिटल लोन ले 12% पे और आपको जीएसटी जमा कराए, वरना आप इंटरेस्ट कितना ले लेंगे। तो सर ये ईज ऑफ बिजनेस कहां हुआ ईज ऑफ बिजनेस? तो मैंने कहा सर आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ईज ऑफ बिजनेस आप देना चाहते हैं एसएमई स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, मैंने आप ही का एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा सर्विस टैक्स में 50 लाख की लिमिट होती थी जहां कैश में हम पे करते थे, आपने
जीएसटी में सारा का सारा हटा दिया. तो ये एडवांटेज, दिस वॉइस इज गोइंग फ्रॉम डे वन. एंड सेकेंड वॉइस, आप उससे कितना चार्ज करते हैं? 18%. मैंने कहा सर ये जो बिजनेस रिफर देता हूं आप, मैंने रिफंड फाइल किया, पहले तो मेरा रिफंड टाइम पे आ जाए. Am I right? रिफंड टाइमली कितने लोगों को मिला है यहाँ पे? हाथ उठाइए. कभी नहीं मिला. क्या इनको मालूम नहीं है कभी? अगर रिफंड आ भी गया है ना तो इंटरेस्ट तो कभी नहीं होगा उसका, जबकि प्रोविजन है आपके 60 days. द प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन, कभी इंटरेस्ट नहीं देना चाहते. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है रिफंड के ऊपर? डिले पर रिफंड के ऊपर 6% versus 18% बेटर पैरिटी. मैं डिफॉल्ट करता हूं तो 18% और आप डिफॉल्ट करते तो पहले देते नहीं है और अगर दे भी दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट. Am I right? So it is not giving parity, not at all. तीसरा क्वेश्चन आया कि विमल तभी इसी की तो प्रोविजन लेके आए हैं कि ये तुम्हें 6 महीने में पेमेंट कर देगा तेरा क्लाइंट, तभी तो प्रोविजन बनाया हमने कि तुझे ये पेमेंट मिल जाएगा 6 महीने के अंदर. मैंने कहा सर अगर इससे पेमेंट नहीं देना ना, ये पेमेंट नहीं देगा. फिर मैंने आपको एक चीज समझाई जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अगर आपने नहीं पे किया तो आपको रिवर्सल करना है एज गुड एज पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. मैं टैक्स ऑलरेडी देके बैठा हूं, एक ही ट्रांजेक्शन से आप दो बार टैक्स ले लोगे मेरे से. मैं तो टैक्स देके बैठा हुआ हूं ना, और आपसे भी रिवर्सल मांग रहे हैं इसी ट्रांजेक्शन पे. डबल टैक्स नहीं होंगे एक ही ट्रांजेक्शन पे. समझने के लिए बहुत सी वाइटल चीजें. Let me connect one or two point and then maybe 130 I will sum up. 130 is okay, am I right in saying so? 130 is okay? Thoda sa kam kar do. By 150. Maza nahi aa raha. Acha aapko maza nahi aa raha. To inko override kare na. Override kare. Override. Isi par tell kar do. Nahi, haan ji, koi issue. दो तीन छोटी छोटी चीजें आपको दू. यस यस यू कैन टेक द हेल्प. लास्ट इज फेक इनवॉइस, फेक क्रेडिट. पूरा इंडिया परेशान है. समझ में नहीं आता फेक है क्या. देखिए फेक में आपको समझाऊं, सही भाषा में समझाऊं. मैं सप्लायर हूं, आप रांची हो चाहे दिल्ली हो चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, इंडिया का एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से डेवलप हुआ है. इससे ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगेगा. हम भी जाते हैं ना बाजार में, तो हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं ना तो पहले पूछते हैं भैया कितना. वो बोलेगा आपसे 50,000 का एलईडी टीवी है और उस पर 18% जीएसटी लग जाएगा. सर बिल नहीं लूं तो बिल नहीं हूं तो खुल के होता है. वो भी बोलता ठीक है मैं जीएसटी 9% चार्ज कर दूंगा या जीएसटी नहीं चार्ज करूंगा. तो सप्लायर का एडवांटेज क्या है मालूम है आपको? उसने विदाउट इनवॉइस माल दे दिया और इसी इनवॉइस को राजीव जी को दे दिया कि दे तुझे जीएसटी क्रेडिट चाहिए तू ले और 18% 9% शेयर कर. सर यही है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है? गवर्नर कर रहे हैं, मैडम बैठे हैं तो मैडम को भी समझ में आ जाएगा फेक इनवॉइस है क्या. Am I right? और यहाँ तो हम सब लर्न कर रहे हैं. कल जब कोर्ट में जाऊंगा मैडम के सामने तो मैं थोड़ा सा टॉलरेंट मैं उतनी बात करूंगा जितने मेरे केस में. यहाँ तो हम समझे एक पार्ट ये हो गया. दूसरा पार्ट जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मैं तो कचौड़ी वाले की बात कर रहा था. हमारे यहाँ चांदनी चौक में चले जाइए, वो सुबह से खोंचा लगाता है शाम तक और आपको खाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी और उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया. उसे पूछे तूने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया? बोले सर मरना है. मैं कचौड़ी बनाऊ कचौड़ी बेचू या जीएसटी का कॉम्प्लेंस करता रहूंगा? फिर आप जैसे कोई बंदा आ जाएगा वो रोज का बिल बनाएगा और आपने कहा कि देख मैं तेरी रिटर्न भर रहा हूँ उसके 10,000.
मतलब है ना, आप और हम भी जब रिटर्न भर रहे हैं तब भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि रिटर्न में क्या जाए। और एक कचौड़ी वाला उपहार, हमने जीएसटी ऐसा नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं सोचा था, हमने सोचा था जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स। क्या जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है? सिर्फ ये उन्हीं के लिए नहीं है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आना चाहते। अदरवाइज आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाइए, दे वेरी हैप्पी, दे सेइंग खत्म हो गया कैश का ट्रांजेक्शन। कल मैं एक कंपनी में था, एक सेफिक्स बोल के कंपनी है, 30,500 करोड़ टर्नओवर कंपनी, सेफिक्स जो लॉजिस्टिक कोरियर वाला। एंड व्हाट इज सीएमडी टेलिंग मी, बेबल हमारा कैश का एक पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं है। मैंने कहा वो कैसे, आपके बिजनेस में तो कैश बहुत होता है कि ड्राइवर लेके चलता है, पेट्रोल डीजल ये सब। बोले बेबल सबको हमने कार्ड दे दिए, ऑल डिजिटल, सारा मेरा ईआरपी के जरिए चैनलाइज हो गया है। उसे पेट्रोल भी लेना है तो उस कार से परचेस करना है, और उसे कैश विड्रॉ करना है उस कार से विड्रॉ करना है। नो कैश ट्रांजेक्शन, लेट्स पीस टुगेदर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। जो टैक्स इवेडर थे ना हमारे सिस्टम में बैठे हुए, इनने इस जीएसटी की ना धज्जियां उड़ा रखी। गवर्नमेंट के लिए चैलेंज ये है कि इनको कैसे करेक्ट किया जाए, पर उनको करेक्ट करने में हम 98% परेशान हो जा रहे हैं। तो फेक इनवॉइस, फेक क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसी को डिस्कस करता हूं। पेएबल ऑफेंस वर्सेस नॉन पेएबल ऑफेंस, सेक्शन 132 सब सेक्शन 1, स्टार्टिंग विद सेक्शन 69, कमिश्नर इज हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, स्पेसिफाइड ऑफेंस, चार ऑफेंस कौन कौन से हैं, आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया विदाउट इनवॉइस, कैश से इशूइंग इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड फेक इनवॉइस, देयर इज नो अंडरलाइंग सप्लाई। थर्ड, यू आर अवेलिंग क्रेडिट ऑन सच फेक इनवॉइस एंड यूटिलाइजिंग द क्रेडिट। एंड फोर्थ, जीएसटी पेमेंट कलेक्टेड बट यू फेल्स टू पे बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, रॉन्गली अवेल क्रेडिट और यूटिलाइज्ड, इरोनियस रिफंड इज मोर देन 5 crore, देन इट्स अ नॉन पेएबल ऑफेंस, कॉग्निजिबल ऑफेंस। 5 साल की सजा प्लस फाइन, 5 years प्लस फाइन। अब आपको फेक इनवॉइस को समझना है और इनके सर्कुलर को समझना है। इनको ना एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, यार ओनली कॉम्प्लिकेटेड, और सारे केसेस हाई कोर्ट लेवल तक जाते हैं। सप्लायर है, सप्लायर ने मान लीजिए जुलाई 2018 में आपको सप्लाई किया, और सप्लायर ने अपना जीएसटी R1 3B सब भरा, आपके 2A में दिख रहा है, आपको सब कुछ मालूम है। अब 2020 में सप्लायर के यहाँ चेकिंग होती है और बोलते हैं सप्लायर रजिस्टर नहीं। अच्छा, सप्लायर रजिस्टर नहीं है और आपसे बोलते हैं क्या तुम्हें क्रेडिट नहीं, नहीं। सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, दूसरा केस ये बना देते हैं कि ये सप्लायर ना फेक है, इसका आता पता नहीं है, ये तो बस जीएसटी R1 3B भरता था। और तीसरा केस ये बनाते हैं, वो यूनिक केस है। अब देखिए, एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, हम 3 पार्टी बनाते हैं, मैं सप्लायर हूं और आप मेरे बायर हैं। मैंने अपना जीएसटी R1 भी भरा है, 3B भी भरा है, आप 2A 2B में देख नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, विमल ने जो माल ए से लिया है ना, ए ने सिर्फ 1 भरा था, जो विमल के 2A 2B में आ गया, इसने 3B में टैक्स का पेमेंट नहीं किया, और विमल ने इसी क्रेडिट को यूज किया है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स जो अब आपके पास चला गया, पर इसका टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट नहीं किया। यही है ना सिनेरियो। मैं आपको 2-3 चीजें पूछता, कस्टमर आप क्या देखेंगे, टैक्स इनवॉइस की कॉपी है या नहीं है, गुड्स रिसीव हुए या नहीं हुए, मेरे 2A 2B में आ रहा है नहीं आ रहा है, यही देखेंगे ना, वो तो सारा आ रहा है। अब आपको क्या मालूम, एंड वेयर द विंडो अवेलेबल, कि विमल ने जिस ए से माल लिया था उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, यू डू नॉट हैव एनी विंडो अवेलेबल बिफोर यू वेयर बाय यू कैन चेक
कि विमल ने जिस क्रेडिट को यूज किया है ए से, ए ने टैक्स का पेमेंट, आपको पेनलाइज कैसे किया जा सकता है? पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, सपना नॉन एग्जिस्टेंट है. आपने उसका रजिस्ट्रेशन विद रिट्रोस्पेक्टिव डेट कैंसिल कर दिया. अरे जब वो जुलाई 18 में अपना 1 TV भर रहा था, आपके पास जा रहा था, तब तो वो एक्टिव नंबर था. 2020 में वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया और आपने मेरी क्रेडिट को रोकना चालू कर दिया. देयर टू थ्री जजमेंट, वन फ्रॉम ओडिशा हाईकोर्ट, ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फॉलोड बाई कैलकटा हाईकोर्ट जजमेंट LGW इंडस्ट्रीज, followed again in Sanchita Kundu case. And it is being held during the impugned time period, July 18, which we are referring, they were both active number. Unless department comes and prove, we are having connivance. हम दोनों में कोई connivance है, तब तक आप इसे reversal नहीं मान सकते. You cannot be penalized just because आपने एक retrospective date रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, नॉन एग्जिस्टेंट कर दिया. जिस पीरियड का ट्रांजेक्शन था वो सारे एक्टिव. Am I right? एक सर्कुलर इन्हें निकाल दिया. अब सर्कुलर को बड़ी अच्छी तरह समझा रहा हूं आपको. सर्कुलर में इन्हें कहा कि सप्लायर की लायबिलिटी होगी या रिसीपिएंट की लायबिलिटी होगी. तो मान लीजिए मैंने इनवॉइस, राजीव जी ने इनवॉइस भेज किया पर माल सप्लाई नहीं किया. डिपार्टमेंट ये कहता है कि माल सप्लाई नहीं किया, तो उन्होंने कहा सप्लायर से कलेक्ट कर ले. तो उन्होंने कहा चूंकि अंडरलाइन सप्लाई है नहीं, तो सप्लायर से कोई हम डिमांड नहीं करेंगे. हमारे आपको याद आ रहा है सर्कुलर? किससे डिमांड करेंगे? बायर से, क्योंकि उसने रिसीट ऑफ गुड्स नहीं किया. आपसे डिमांड करेंगे. अब मुझे आपको समझाइए, मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं. तो एक ही ऊपर क्या पेनाल्टी होगी? एक के ऊपर तो कोई पेनाल्टी लगाई, उन्होंने कहा 122 का हम पेनाल्टी लगा देंगे. और 122 में बोलता है विच हाई 20,000 और टैक्स अमाउंट इवेडेड. एम आई राइट? एम आई राइट? तो मान लीजिए 1 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी है जिस पे आपको रिवर्सल करने के लिए वो कह रहा है. तो 122 की जो पेनल्टी ए पे लगाएंगे दैट विल बी 20,000 और 1 करोड़ रुपीज. विल ऑलवेज बी 20,000 जब सप्लाई है ही नहीं है. वेदर टैक्स इवेडेड तो ए पे आप 20,000 ही लगा सकते, पर आपसे वो आप पूरा रिवर्सल मांग रहा है. अब आप आते हैं मेरे पास, बिमल जी क्या करें? एक लाइव केस बताता हूं जिसका रिपीटिशन डाला हुआ, मैं नाम नहीं बता सकता. रूल 86 ए में जाकर मैंने ली क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया यूनिलैटरल. इन जीएसटी लॉ देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन 75 सबसेक्शन 4. Wherever any adverse order is being passed, they must give us the opportunity of being heard. Violation of principle of natural justice. Kari nahi sakte. And during investigations, jab search karne aate hain, they get the money deposited. Whether provision in the law, 73 subsection 5 non-fraud cases, 74 subsection 5 fraud cases, usme bolta hai only when it is ascertained and accepted by the SSC. Swiggy India case, Karnataka High Court. मद्रास हाई कोर्ट, श्री नंदी धार मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक आपने पैसा ले कैसे लिया? एंड रिकवरी प्रोसीडिंग उसी टाइम पे. अरे ऑर्डर तो पास करो. एंड 78 से ओनली आफ्टर 3 months फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर 78 प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 83. सी दीज आर अनस्टूड, इट इज मीट टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू, नो डिनायल against the tax evader. But you cannot apply such provision in general. You can't do that. And that is what the pain part today. इसलिए आज की डेट में ना वो कचौड़ी वाला आने से मना करता है. वो बोलता है सर कहाँ फंसा रहा है मुझे. And what practice we have evolved? कई जेलिंग बंदे जिन्हें बेईमानी की है, चोरी की है. अब एक लाइव केस बताता हूँ अपने क्लाइंट का. सप्लायर से मैंने मान लिया मेटल इंडस्ट्री में है. पहले मैंने इंडस्ट्री बता दिया. मेटल में वो स्क्रैप आता है, स्क्रैप के ऊपर जीएसटी. सप्लायर ने मान लिया, सप्लायर से मान लिया आपके पास इनवॉइस है, सब कुछ है. अब सप्लायर के
की जो आगे की लेयर है ना वो देखा ए ए ने सिर्फ इनवॉइस खाली है, वन भरा है, थ्री बी नहीं भरा। आपसे आके बोलते हैं रिवर्सल मारो, आपसे आके बोलते हैं रिवर्सल मारो। आप कहते हैं सर मुझे क्या मालूम, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे पास इनवॉइस की कॉपी है, ईवे बिल है, टोल टैक्स की रिसीट है, बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है, मेरे टू वे टू बी में आ रहा है, सारी चीजें मेरे पास है। तो नहीं नहीं वो आपको करना पड़ेगा, इनएलिजिबल क्रेडिट है। क्यों इनएलिजिबल है? क्योंकि ए ने जो बी को दिया है उसमें टैक्स का पेमेंट। मैं बोल मैंने उनसे पूछा सर आपको भी मालूम था क्या ए ने थ्री बी नहीं भरा, जब तक कि सिस्टम में टू वे नहीं आया था, जब तक कि सिस्टम में ए आई नहीं आई थी। वो भी बोलता सर मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो जब मेरे पास सिस्टम ओपन हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि ए सिर्फ वन भर रहा था, थ्री बी नहीं भर रहा था। बट आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 155 आपसे बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है तो आप मेरे से ही तो देखोगे। Am I right? सर अब उन्हें क्या किया, अब पेमेंट पकड़ना है देना है तो अब मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जोर जबरदस्ती स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि नहीं मैंने तो एक वैसे ही खा लिया। अब हमें ये पकड़ के बोला जाता है कि अब आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। माय ओनली सबमिशन टू ऑल ऑफ यू, ओनली सबमिशन दो तीन चीजें हैं। दिस फेक इनवॉइस एंड फेक क्रेडिट, कल एक डेटा आया 55,000 करोड़ रुपीज का लास्ट टू ईयर्स का, राइट? एक बंदे ने पिन पॉइंट करके लिखा सर 55,000 करोड़ रुपए जबकि पर मंथ कलेक्शन है 1,50,000 करोड़ रुपीज। So, 55,000 करोड़ ना मैम होगा, I'm just about to finish, don't worry about that. मैंने ठीक है उनको भी आगे लेके चल रहा हूँ, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना अगली बार अगली बार फिर वो बोलते ना मोदी सरकार आप सरकार। So, मेरा ओनली पॉइंट कि आप 55,000 करोड़ जो आप कह रहे हो उसमें कलेक्शन कितना पहले ये बता दो ना। And that as against honest and genuine taxpayer, the kind of easiness is not coming. प्रॉब्लम इज दैट ठीक है तो कुछ टैक्स इवेजन है 1% 2% और हम उनको एडवोकेट नहीं करते। एंड लेट्स टेक प्लीज टुडे कि हम किसी टैक्स इवेजन के केस फाइट नहीं करेंगे, वो प्लीजिंग हमारी होनी चाहिए। एंड वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को डेवलप करने में हमारा भी योगदान होना चाहिए। वी आर अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कोर्ट में जाके मैं कोर्ट को अगर एसेस ना करूं देन आई एम नॉट अ लॉयर। और मैं आपको बताऊं हमें मालूम होता है अंदर से कि चोर है या नहीं, डे वन से मालूम होता है चोर है या नहीं, लेकिन पता नहीं कि हम सेल्फिश हो जाते हैं। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स, अब स्लिप इतने दे दिए तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, एक छोटी सी चीज के साथ खत्म कर लूंगा। फिर ऑफलाइन जितना होगा ठीक है। पता नहीं मैंने ये छोटी जो कहानी है ना ये कई जगह बोली है, पता नहीं आपने भी सुना हो, सुन लिया तो द्वारा हंस लीजिए और नहीं सुना तो फिर हंसी। देखिए राजस्थानी बंदे की शादी होती है और वो शादी करके अपनी बिरुड़ी को बस स्टॉप पे लेके आता है। लिसन मेरी संदीप भाई सर आप ये एक मिनट की जो सुन ली थी बहुत अच्छा जीएसटी के ऊपर। राजस्थानी बंदे की शादी होती है वो अपनी बीवी को शादी करके बस स्टॉप पे लेके आता है। राजस्थानी बीवी तो आप जानते हैं कि उसका घूंघट लंबा होता है, राइट? लंबा होता है और जब घूंघट लंबा होता है तो फिर देखने की इच्छा। मैंने नहीं बोला, जीएसटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जो नहीं समझता वो समझ में आता है। तो बस स्टॉप पे हस्बैंड वाइफ और हम लोग खड़े थे, हम सब तो इस
एग्जाम्पल में जो हस्बैंड है वो है जीएसटी डिपार्टमेंट, मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, कोई पर्सनल नहीं लेगा, डिस्क्लेमर, जो हस्बैंड है वो है जीएसटी डिपार्टमेंट और जो बिंदी है वो है जीएसटी लॉ। क्यों मैंने बोला जीएसटी लॉ, तो आपको मालूम है ना कि समझ में भी नहीं आता कहां पे क्या प्रोविजन है। और जो फर्स्ट टॉपिक करे वो है हम सब टैक्स प्रोफेशनल एंड टैक्स पेयर सारे के सारे, हम तो ऊपर नीचे सब तरफ देख रहे थे कि लॉ देख लिया क्या है प्रोविजन, पता नहीं कहां क्या प्रोविजन लिखा हुआ है, किसी से ऊपर नीचे दे रहे हैं। तो अब बिंदी जीएसटी लॉ जो है वो घूंघट लंबा है लेकिन फिर भी देख रही है, सब देख रहे हैं, वो तो देगी क्योंकि लॉ है। तो बिनोनी अब टैक्स डिपार्टमेंट जो हस्बैंड है उससे बोलती है, ये जी सुनते हो ये सब मने देख रहे हैं, मने तो शर्म लग रही है, ये जी सुनते हो ये सब मने देख रहे हैं, मने मीन्स आप टैक्स पेयर टैक्स प्रोफेशनल देख रहे हैं, मने तो शर्म लग रही है। अब टैक्स डिपार्टमेंट आप तो जानते हैं रोज डे डे आउट जाते हैं मिलते हैं, तो हस्बैंड अब बिनोनी से बोलता है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो लॉ से बोलता है जीएसटी लॉ से, ए बाबली तो घबरा रहे क्यों है, अपना घूंघट उठा दे, सब देख के भाग जा रहे हैं। तो मैं सब बताओ आज की डेट में जीएसटी में इन करने में इतनी घबराहट है, जीएसटी को सिंपल होना चाहिए। एक मिनट सिंपल होगा, देखिए एक मैडम सेक्रेटरी जनरल कह रही थी हमें एक्सलेंसी बढ़ानी है, कैपेबिलिटी बढ़ानी है, मैंने भी कई चीजें ऐड की आपके साथ, वैल्यू और कंटेंट को बढ़ाई, फीस शुड नॉट बी द प्राइस, नो बोलना सीखिए क्लाइंट को, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करें, दिस जीएसटी फॉर गुड फॉर द नेशन, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर मूव कर रहे हैं। सेल्फ एक्सप्रेस डिजिटलाइजेशन, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, अफकोर्स में पेन एरिया होगा क्योंकि इन्हें सारा कैश में माल बेचा है, इनको दिक्कतें होंगी, बट आने वाले टाइम में वी आर कैरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट फॉरवर्ड। सो थैंक यू ईच ऑफ यू।